ओके, वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स। बेसिक्स से ही प्रीलिम्स भी निकलेगा, बेसिक्स से ही मेंस भी निकलेगा। तो हमारे लेक्चर सीरीज़ का ये अगला वीडियो है जिसमें हम इम्तियाज़ अहमद के ऑब्जेक्टिव बुक को कवर कर रहे हैं। इम्तियाज़ अहमद का बुक हिस्ट्री, बिहार स्पेशल हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? थोड़ा डेप्थ में कवरेज है, बट इसमें जो क्वेश्चन हैं, जो आंसर्स हैं, वो आने के चांसेस एज़ कम्पेयर टू अदर बुक्स ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि इसका कवरेज अपने आप में बहुत वास्ट है। दूसरा क्या है कि इसको बाकी सोर्सेज से ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक माना जाता है। इसको आप एक तरह से कह सकते हैं कि एनसीईआरटी के आसपास का स्टैंडर्ड है इसका। तो अगर किसी क्वेश्चन पे डिस्प्यूट होता है, कुछ भी है, तो इस बुक को रेफ़र किया जाता है। तो इसलिए इस किताब को कवर करना ज़रूरी है। बस एक इसमें इशू यही है कि जो इंग्लिश मीडियम के हैं तो इसमें सब हिंदी में दिया हुआ है, तो उससे कोई, मेरे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर आप नाम देखें, बुक देखें, पीरियड देखें, जो भी है, तो वो तो सब आप इंग्लिश में पढ़ो या हिंदी में पढ़ो सेम है। और दूसरा एक और बात है कि इसमें कहीं कहीं पे मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से, जहाँ मुझे लगा कि विकिपीडिया से, गूगल से कुछ करके देखना चाहिए, तो वो किया है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो बाकी एस्पिरेंट्स हैं, जो कन्फ्यूज हैं या परेशान हैं या लास्ट टाइम में रिवीजन कैसे करना है, उनसे इसको शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि किन टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए। जो वीडियो अभी हम बना रहे हैं उसमें क्या इशू है, उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, बातचीत तो चलता रहेगा। बस हमारा उद्देश्य यही है कि जिस चीज़ को एक घंटे में, आधे घंटे में कवर किया जा सकता है, उसको अननेसेसरीली लंबा नहीं खींचना है। व्यू या व्यू टाइम बढ़ाने के लिए जो आजकल यूट्यूब पे किया जाता है, वो काम नहीं करना है। कि आपको जो कंटेंट आधे घंटे में रिवाइज़ करना था, वो आप ढाई घंटे, तीन घंटे में रिवाइज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या ना, लास्ट टाइम में हमारा टाइम किल होता है और फिर बहुत नुकसान होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसके पहले का वीडियो बना हुआ है, उसको देख लीजिएगा। अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, मिथिला के कर्नाट शासक। ठीक है, ये कर्नाट वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि कुछ ना कुछ कर्नाटक से या साउथ से रिलेटेड होगा। मिथिला हमारा नॉर्थ बिहार, अगर आप बिहार का मैप देखिए ऐसे करके, बीच से गंगा नदी, तो ये जो रीजन है, ये आप मिथिला कह सकते हैं कि मिथिला का रीजन है। मधुबनी, दरभंगा, ये पूरा रीजन मिथिला का रीजन है। ठीक है, तो कर्नाट वंश है, तो निश्चित ही कहीं इंडिया में अगर आप देखें तो साउथ से माइग्रेट करके किसी भी वजह से रूलर्स जो यहाँ पे आए, तो ये कर्नाट वंश के शासक हैं। ठीक है, इनका, इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी? तो ऑब्वियस बात है कि नॉर्थ बिहार का कोई भी एरिया होगा तो वहाँ से इनके बारे में जानकारी मिलेगी। तो दरभंगा, सिमराव, दरभंगा सब कुछ होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा बीपीएससी में, इस बार आएगा, अगले बार आएगा, लेकिन आना है। क्यों? राजनीति रत्नाकर, इसके लेखक कौन है? चंदेश्वर ठाकुर। चंदेश्वर ठाकुर कौन थे? कर्नाट शासक के मंत्री थे। ठीक है, जैसे चाणक्य थे। चाणक्य ने कौन सा किताब लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के आप कह सकते हो कि गुरु भी थे, और जब चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बन जाते हैं तो उनके मिनिस्टर भी थे, उनके प्रधानमंत्री थे। तो चाणक्य का किताब जितना इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से राजनीति रत्नाकर जो है वो कर्नाट वंश के शासन के लिए इंपॉर्टेंट है। चाणक्य मौर्य वंश के लिए इंपॉर्टेंट थे, राजनीति रत्नाकर और चंदेश्वर ठाकुर कर्नाट वंश के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए, और ये हरि सिंह देव का नाम अगर आप याद रख सकते हैं तो रख लीजिए कि चंदेश्वर ठाकुर किन के टाइम पे थे। मैथिली की प्रथम पुस्तक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैथिली एज ए लैंग्वेज, इसमें पहला बुक क्या लिखा गया? वर्ण रत्नाकर। आप कैसे याद रख सकते हैं इसको? देखिए, वर्ण रत्नाकर, कोई भी किसी भी लैंग्वेज में, मैथिली में अगर पहला बुक लिखा गया, किसी भी लैंग्वेज में जो पहला बुक लिखा जाएगा, वो किस बारे में लिखा जाएगा? वो उस लैंग्वेज के ग्रामर, उस लैंग्वेज के मॉर्फोलॉजी, या उस लैंग्वेज को कैसे पढ़ना है, उस लैंग्वेज का वर्ण, उस लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स, इसके बारे में लिखा जाएगा। तो इसलिए मैथिली का पहला बुक जो है वो वर्ण रत्नाकर है। ठीक है, मैथिली के बारे में आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि मैथिली जो है वो शेड्यूल एट लैंग्वेज है। शेड्यूल एट लैंग्वेज में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अब आपको ये बताना है कि ये चारों लैंग्वेज जो है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद शेड्यूल एट में जोड़ा गया था। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो मैथिली जो है हमारा शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, आपको बताना है कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये जुड़ा था। क्योंकि अगर ये पूछ दिया गया, तो अगर आपने अभी गूगल सर्च किया
तो आपको याद रहेगा। बिहार के कर्नाट वंश से संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए। मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना 1097 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, तो 1097 ईस्वी में कर्नाट शासक नानेदेव ने भारत नाट्य शास्त्र पर टीका लिखते हुए अपने को महासामंताधिपति मिथिलेश्वर और नृपमल्ल कहा था। तो चलिए ये आपको नहीं पता, ये नहीं पता, मिथिलेश्वर मिथिला के ईश्वर, ठीक है, तो मिथिला के रूलर थे, तो ये तो स्टेटमेंट सही हुआ। नरसिंहदेव ने के शासनकाल में 1202 ईस्वी में मोहम्मद बख्तियार खलजी तिरहुत होते हुए लखनौती गया था, ठीक है, लखनौती बंगाल का एरिया है। कर्नाट वंश का शासनकाल राजनीति और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मिथिला के इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर सब है, ठीक है। स्थापना हुआ था 1097 में, याद रखिए कि लगभग 1100 एडी में कर्नाट वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है। नान्यदेव जो है इसके शासक है, अपने आप को महासामंताधिपति मतलब सभी सामंतों के बाप कह सकते हो एक तरह से, सभी सामंतों के सामंत थे। मिथिलेश्वर तो समझ ही गए। नरसिंहदेव के शासनकाल में 1202 ईस्वी में, 1202 ईस्वी मतलब जस्ट ये एस्टैब्लिश हुआ 1100 एडी में, और उसके 100 साल बाद बख्तियार खिलजी आता। बख्तियार खिलजी कौन था, बख्तियार खिलजी जो था वो दिल्ली सल्तनत जब एस्टैब्लिश हो रहा था इंडिया में, तो बख्तियार खिलजी स्लेव था, इसको भेजा गया था ईस्टर्न इंडिया पे कब्जा करने के लिए, बिहार वाला रीजन, बंगाल वाला रीजन, दिल्ली से ये ट्रैवल करके आया था, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी जो है तिरहुत होते हुए लखनौती गया था, ठीक है, नरसिंहदेव के टाइम पे, नरसिंहदेव के टाइम पे मोहम्मद बख्तियार खलजी तिरहुत होते हुए लखनौती गया था। स्वर्णयुग कहा जाता है, स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है, आप देखिए वर्ण रत्नाकर किताब लिखा गया, राजनीति रत्नाकर बुक लिखा गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए थे, बिल्डिंग्स वगैरह बनाया गया था, तो इसलिए जैसे गुप्ता को बोला जाता है स्वर्णयुग, उसी तरह से कर्नाट वंश को जो है शासनकाल को सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मिथिला के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है, और तभी हम लोग इतना इसको पढ़ रहे हैं। चलिए, कृत चिंतामणि और विवाद रत्नाकर के रचयिता कौन है, कृत चिंतामणि और विवाद रत्नाकर के रचयिता चंदेश्वर है। चंदेश्वर कौन है, चंदेश्वर जो अभी हमने पीछे देखा, राजनीति रत्नाकर, विवाद रत्नाकर, कृत चिंतामणि, ये सब किसने लिखा है, चंदेश्वर ने लिखा है, ठीक है। ज्योतिरेश्वर ठाकुर फर्स्ट बुक वर्ण रत्नाकर, जो वर्ण रत्नाकर हमने यहाँ पे देखा था ये बुक, इसको किसने लिखा है, ज्योतिरेश्वर ठाकुर, ठीक है, ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने फर्स्ट बुक लिखा था वर्ण रत्नाकर, चंदेश्वर ने लिखा है कृत चिंतामणि, विवाद रत्नाकर और राजनीति रत्नाकर, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय है में किसके शासनकाल में हुआ था, लगभग 1100 एडी में किसके शासनकाल में हुआ था, बताइए, रामपाल के शासनकाल में हुआ था। कर्नाट जो है वो दक्षिण भारत के राजवंश है, अभी जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, अभी तो ये कर्नाट शब्द जो है कर्नाटक से आपको रिलेटेड लग रहा होगा, तो कभी ये ऑप्शन आए तो कंफ्यूज नहीं करना है कि बिहार में साउथ इंडियन डायनेस्टी कैसे आ सकता है, आया, ठीक है। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक था, कौन था, नान्यदेव थे, तो नान्यदेव को याद रखना है, नान्यदेव संस्थापक थे, 1100 एडी के आसपास इन्होंने स्थापना की थी। बख्तियार खिलजी किसके टाइम पे आया था, पीछे हमने डिस्कस किया, उत्तर बिहार को तीर भुक्ति या मिथिला कहा जाता था, तो इस बार जैसे 68 बीपीएससी में आया था कि मगध को क्या बोलते हैं, दूसरा जो इसका नाम है, ठीक है, तो उसी तरह से उत्तर बिहार को क्या बोलते थे, तो तीर भुक्ति बोलते थे, तीर भुक्ति। तीर भुक्ति का मतलब होता है क्या, भुक्ति का मतलब होता है एक एरिया जिसको रूल किया जाता है, ठीक है, विषय भुक्ति, पट्टाला, परगना, सूबा, सरकार, ये सब अलग अलग एरिया जो डिमार्केट किए जाते हैं उसका नाम दिया गया अलग अलग शासनकाल में, तो भुक्ति का मतलब होता है एरिया, और तीर भुक्ति का मतलब तीर कुछ उस जगह से रिलेटेड होगा, यही बाद में बदल के तिरहुत हो जाता है, ठीक है। और अब तो याद रहेगा भाई कि नॉर्थ बिहार को तीर भुक्ति, मिथिला के रीजन को तीर भुक्ति बोलते थे, तीर भुक्ति। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी, कर्नाट शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ थी, न पटना, न वैशाली, न तिरहुत। पटना वैशाली तो हो ही नहीं सकता है, पटना वैशाली किसका कैपिटल है, बहुत डिटेल में हमने पीछे डिस्कस किया है बहुत सारे क्वेश्चंस के माध्यम से। तिरहुत नहीं है, तिरहुत रीजन है, सिमरावगढ़ कैपिटल है, ठीक है, सिमरावगढ़ कैपिटल है। चलिए, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक हरि सिंह था, ठीक है, तो
ये नेपाल चले जाते हैं जब इनको मालूम चलता है कि भाई तुगलक्स आर कमिंग, तुगलक आ रहे हैं, तो ये नेपाल चले जाते हैं। ठीक है, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है भाई। अंतिम शासक है, तो अंतिम शासक का मतलब क्या हुआ कि भाई या तो किसी लड़ाई में वो हारे होंगे, या फिर देश छोड़ के अपने एरिया को छोड़ के चले गए होंगे, या फिर कोई और कारण रहा होगा। तो यहाँ पर हरी सिंह के साथ कारण क्या है कि ही फ्लेड टू नेपाल व्हेन हर्ड दैट तुगलक्स आर कमिंग। ठीक है, तो वो नेपाल चले गए और नेपाल में फिर अपने राज्य की स्थापना करते हैं, तो वहाँ पर भी जाके कुछ एरिया में शासन करते हैं। तो कौन थे? हरि सिंह थे। ठीक है, दो तीन नाम है, नान्यदेव। नान्यदेव कौन थे? जो स्थापना किया था उन्होंने। नान्यदेव के अलावा मोहम्मद बख्तियार खिलजी कब आया था? नरसिंह के टाइम पे आया था। ठीक है, और लास्ट रूलर कौन थे? हरि सिंह। ठीक है, याद रखना है। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अंतिम शासक, तो अंतिम शासक जो हारा वो अंतिम शासक है, तो हारा हरि, ऐसे करके याद रखा जा सकता है। ठीक है, चलिए, कर्नाट वंश का पूर्णता अंत कब हो गया था? पूर्णता अंत हुआ है 1378 ईस्वी में। ठीक है, 1378 ईस्वी में पूर्णता किसी भी वंश का अंत कैसे होता है? देखिए 1100 एडी में स्थापना हुआ। ठीक है, 1200 के आसपास जो है तुर्क और तुगलक जो है वो आना शुरू किए। ठीक है, तो अब यहाँ से ऐसा नहीं है कि 1200 में आना शुरू किया तो 1205 में ख़त्म हो जाएगा, 1210 में ख़त्म हो जाएगा। वो आएंगे, वो फिर किसी और को उत्तराधिकारी बनाएंगे या बोलेंगे कि आपको हमारे अंडर रहना होगा। तो वंश जो है ना वो धीरे 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 ख़त्म हुआ, 100 साल तक फिर जमींदार के रूप में, लोकल वैसल्स के रूप में वो कंटिन्यू करते हैं, सामंत के रूप में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए, बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का व्यवस्था हुआ था? पंजी प्रबंध का व्यवस्था कर्नाट शासक के टाइम पे हुआ था। पंजी प्रबंध का व्यवस्था जो है कर्नाट शासक के समय पे हुआ था। तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आया था। तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी, तिब्बत के इतिहासकार थे धर्मस्वामी, वो तिरहुत आए थे, तिरभुक्ति आए थे या मिथिला के रीजन में आए थे। ठीक है, कब आए थे? 1234 ईस्वी के आसपास। ये काफी डिटेल्ड है बट एक बार सुन लीजिए, याद रह जाए और क्या पता बीपीएससी पूछ ले। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? नरसिंह देव का शासन था। बख्तियार खिलजी वर्सेस नरसिम्हा, ठीक है, नरसिंह देव का शासन था वहां पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने लिखा है। रूल कितना दिन तक किया था? लगभग 200 साल तक रूल रहा, तो अच्छा खासा लंबा टाइम पीरियड रहा कर्नाट वंश का, 1097 से लेकर 1325 तक फुल्ली सोवरेन रहा, फुल्ली सोवरेन, पूरी तरह से संप्रभु था। ऑरिजिन क्या है इनका? ऑरिजिन है साउथ इंडिया का, कर्नाटक में। केम विथ चिफ्टेंस चालुक्य इन्वेजन, ठीक है, तो चालुक्य जब इन्वेड कर रहे थे नॉर्थ इंडिया को, जब चालुक्य इन्वेड कर रहे थे, ठीक है, इधर से आके तो उसी समय कुछ लोग जो उनके साथ कप्तान थे, आर्मी के रूलर्स वगैरह थे, उन्हीं के साथ जो आए थे उन्हीं में से कुछ लोग वापस फिर इंडिया नॉर्थ बिहार में जाके अपना राज्य स्थापित करते हैं और अपना नाम रखते हैं कर्नाट वंश। ठीक है, तो चालुक्य बादामी, ठीक है, चालुक्य बेसिकली चालुक्य का रीजन ये वाला रीजन है, थोड़ा आपको गुजरात से भी टच हो जाता है बट कर्नाटक वाला रीजन जो है वो चालुक्य का। अगर आप मैप को यहाँ पर बना के देखें इस तरह से, एक मिनट, रफ मैप बना रहा है ताकि आपको थोड़ा सा फील हो जाए। ये कर्नाटक वाला रीजन है, ठीक है, इन्होंने अटैक किया। अब अटैक किया तो मान लीजिए कि एक्सपेंड कर रहे हैं बिहार तक, तो ये वाला रीजन हमारा बिहार हो गया। तो नॉर्थ बिहार में जो इनके साथ कुछ लोग आए थे वो यहीं पे बस गए और उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया और नाम रखा क्या? कर्नाट वंश। किस तरह से? जिस तरह से अलेक्जेंडर उधर से आता है उसके साथ बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, तो कुछ लोग इधर वाले एरिया में, अफगानिस्तान वाले एरिया में और अफगानिस्तान के आसपास पेशावर वाले एरिया में, पंजाब वाले एरिया में रुक जाते हैं। तभी तो हम सुनते हैं ना कि सेल्यूकस नाम का एक रूलर था जिसने मेगास्थनीज को भेजा था, किसके कोर्ट में? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। ठीक है, तो उसी तरह से सेम स्टोरी यहाँ पे है कि कुछ लोग रह गए और उन्होंने डायनेस्टी की स्थापना की और जिसका नाम रखा कर्नाट वंश। क्लियर है, अब नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी के टाइम पे कौन था? नरसिम्हा देव था। तुर्क सेनापति तुगरील तुगान द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री कौन था? धर्मस्वामीन था, लामा तारानाथ था, मुल्ला तकिया था। तो लामा तारानाथ नहीं था, धर्मस्वामीन था और मुल्ला तकिया था, बी एंड सी। ठीक है,
तुगरील तुगन के अभियान के समय कर्नाटक राज्य का शासक कौन था? राम सिंह देव। तो देखिए ये याद रख सकते हैं तो रखिए, बट इतना याद रखना है कि तुगरील तुगन जो है, तुगरील तुगन, इसने कर्नाटक वंश पे अटैक किया था। ठीक है, कर्नाटक शासकों में से कौन एक महान समाज सुधारक था? ठीक है, तो हरि सिंह देव, ठीक है, जो लास्ट रूलर थे। इन्हीं के टाइम पे राजनीति रत्नाकर बुक भी चंदेश्वर द्वारा लिखा जाता है। यही जो है, इन्हीं के टाइम पे तुर्क जब आ रहे हैं तो भाई ये छोड़ के चले जाते हैं नेपाल, और नेपाल में अगर आप विकिपीडिया पे पढ़ोगे तो वहाँ कुछ समय तक घाटी वाले एरिया में इन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश किया था और वहीं शासन करते थे। ठीक है, अब देखिए समाज सुधारक हैं, सोशल रिफॉर्म करेंगे, तो जो रूलर सोशल रिफॉर्म करेगा, ठीक है, रूलर का काम क्या होता है? रूल करना, रूथलेस होना पड़ता है। बट जो रूलर कंपैशनेट है, जो हृदय से कोमल है, जो चाहता है कि समाज में सुधार हो, तो उनका एनर्जी थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे कि सोशल रिफॉर्म का काम कर रहे थे। बट ड्यू टू दिस, अब क्या है कि बाकी जो बख्तियार खिलजी है, अब बख्तियार खिलजी को सोशल रिफॉर्म से क्या मतलब है? बाकी जो आसपास के रूलर हैं, जो तुर्क हैं, तुगलक हैं, उनको क्या मतलब है सोशल रिफॉर्म से? तो वो तो भाई रूथलेस हैं, तो इसीलिए इसमें ये थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाते हैं। अदरवाइज हरि सिंह देव, ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन, वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, जो कि सोशल रिफॉर्म कर रहे थे। इनके टाइम पर बुक लिखा गया राजनीति रत्नाकर, किसके द्वारा? चंदेश्वर ठाकुर के द्वारा। चंदेश्वर ठाकुर ने बाकी दो किताबें लिखी हैं, वो पीछे आप देख लीजिए। पंजी प्रबंध की व्यवस्था कर्नाट शासन के समय पे। चलिए अब मध्यकालीन बिहार में आ जाते हैं, मिडीवियल बिहार में। ठीक है, बख्तियार खिलजी के पूर्व बिहार में मुस्लिम हमलावरों और इस्लाम धर्म प्रचारकों का आगमन के आगमन की जानकारी कहाँ से मिलती है? उनके आगमन की जानकारी हमें मिलती है मनेर से प्राप्त ताम्रपत्र से और तिब्बती विद्वान तारानाथ से। तो त से तारानाथ, त से तिब्बत, ठीक है, तारानाथ तिब्बती विद्वान था। और मनेर से ताम्रपत्र प्राप्त होता है, भाई मनेर क्या है? मनेर जो है ना वेस्टर्न बिहार में, ठीक है, अगर बिहार को आप ऐसे देखिए तो इधर वाला एरिया में मनेर पड़ता है थोड़ा सा अंदर जाके, ठीक है, पटना से आप पटना से पश्चिम जब आप जाएंगे तो मनेर मिलेगा। तो मनेर में बहुत सारे सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं, सोन नदी के किनारे है, तो जो भी वेस्ट से आएगा, ठीक है, तो उसका इंस्क्रिप्शन, उसके बारे में जानकारी इसी एरिया से पहले मिलेगा, ना कि पटना से, ना कि गया से, ना कि इधर भागलपुर वाले एरिया से। तो इसलिए मनेर ताम्रपत्र बहुत जगह आपको सुनने को मिलेगा। तो जहाँ पे आपको मनेर ताम्रपत्र दिखे इस तरह के सवाल में, तो आप उसको लेके पॉजिटिव रहें और उसको आप टिक कर सकते हैं अगर कन्फ्यूजन है तो। और तिब्बती विद्वान तारानाथ के द्वारा, ठीक है, मनेर या मनियारी ताम्रपत्र के अनुसार कन्नौज के गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र ने मनेर परगना के एक ब्राह्मण को नियमित रूप से तुरुष्क दंड या तुर्कों के लिए कर वसूली का आदेश दिया था। तो बेसिकली बस यही रखना है याद कि मनेर ताम्रपत्र कन्नौज से रिलेटेड है, गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र, तो गढ़वालों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, मध्यकालीन बिहार के इतिहास के जानकारी के साहित्यिक स्रोत में सत्य कथन का चयन करें। तबकते नासरी और रियाज उस सलातीन से बख्तियार खिलजी के प्रशासनिक प्रबंध के बारे में जानकारी मिलती है। मिलती है क्या बताइए? ठीक है, तो मिलती है मिन्हाज उस सिराज की पुस्तक तबकते नासरी। तबकते नासरी के राइटर है मिन्हाज उस सिराज। तबकते नासरी से आपको बख्तियार खिलजी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, अबुल फजल के अकबरनामा और बाबर के तुजुक के बाबरी से भी बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अकबरनामा तो बाद में लिखा गया अबुल फजल के द्वारा, ठीक है, तुजुक के बाबरी बाबर ने खुद लिखा था। ठीक है, तुजुक के बाबरी देखिए लिखा गया था टर्किश लैंग्वेज में, ठीक है, अकबरनामा लिखा गया था पर्शियन लैंग्वेज में, क्योंकि अकबर के समय पर पर्शियन लैंग्वेज डेवलप हो रहा था, तो अबुल फजल ने इसे पर्शियन लैंग्वेज में लिखा था। तो इसलिए आप देखिए दोनों के लिखने के तरीके में, तुजुक ए बाबरी और यहाँ क्या अकबरनामा है, ठीक है, इसका आ जाएगा शाहनामा। तो पर्शियन जो है लैंग्वेज वो तब तक डेवलप हो चुका था और ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया था। तुजुक ए बाबरी में बाबर ने डिटेल में लिखा है बाबर और शेर शाह सूरी, सासाराम वाले, बाबर और शेर शाह सूरी के बारे में डिटेल में तुजुक ए बाबरी में बाबर ने लिखा है। और बाबर ने लिखा है कि शेर शाह सूरी कैसे उनको बिट्रे कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब कि बिहार के बारे में जानकारी है। और अकबर के टाइम पे तो रहेगा ही भाई, क्योंकि अकबर तो उनका रूल ही आगरा दिल्ली से लेकर पूरा बंगाल तक फैला था। ठीक है, गुजरात तक, पूरे नॉर्थ इंडिया पे उनका शासन था। पाणिनि के अष्टाध्यायी तथा जियाउद्दीन बरनी के तारीख़े फिरोजशाही से भी मध्यकालीन बिहार की जानकारी मिलती है। ठीक है, तारीख़े शेरशाही, शेरशाह के प्रशासन और इतिहास जानने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ठीक बात है,
16वीं सदी में किसने बताया कि बख्तियार खिलजी ने तिरहुत पर आक्रमण कर वहां के कर्नाट वंश के शासक को अपना और उसके बाद वह बंगाल को अपना बनाया और उसके बाद वह बंगाल चला गया, मुल्ला तकिया ने बताया था। ठीक है, चंदेश्वर ठाकुर, नहीं चंदेश्वर ठाकुर ने बुक लिखा था राजनीति रत्नाकर, किसके टाइम पे, हरिदेव सिंह के टाइम पे। ठीक है, मिन्हाज उस सिराज के लेखक कौन है, सॉरी मिन्हाज उस सिराज किस किताब की रचना उन्होंने की थी, तबकत ए नासिरी। ठीक है, मुल्ला तकिया बिहार के किस तुर्क, मुल्ला तकिया बख्तियार खिलजी तिरहुत आता है, ये मुल्ला तकिया बताता है। ठीक है, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, बिहार में किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो तुगलक का हाँ प्राप्त हुआ है। ठीक है, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बासा तीनूल उंस एक मूल्यवान स्रोत है, काट दीजिए। मुगल में बिहार, मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेश यात्री थे, ये इंपॉर्टेंट है, मुल्ला तकिया। ठीक है, अकबर के टाइम पे आते हैं, कहाँ से आते हैं, जौनपुर से, वो बंगाल आते हैं, उन्होंने किताब लिखा था मीर तुल अहवाल। ठीक है, इसमें पटना के बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो मुल्ला तकिया भाईजान जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जिस तरह से मेगा स्थनीज ने पटना के बारे में लिखा, पटना के बारे में किस किस ने लिखा है, अगर आपको मेंस में लिखना हो ट्रेवलर्स का रिकॉर्ड कितना इंपॉर्टेंट है, तो पटना के बारे में देखिए मेगा स्थनीज ने लिखा था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, हुएन सांग ने भी लिखा है, आइत सिंह ने भी लिखा है। ठीक है, तो इतने राइटर ने, फिर इसके बाद मुल्ला तकिया ने लिखा है, तो पटना के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया किस बुक में, मीर तुल अहवाल, MTA मीर तुल अहवाल, किसने लिखा था, मुल्ला तकिया ने। मुल्ला तकिया कौन सा पहला विदेशी यात्री है जो मुगल काल में बिहार आता है। ठीक है, तो मुल्ला तकिया इंपॉर्टेंट हो गया। बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना थी, बहारिस्ताने गैबी मिर्जा नाथन की रचना थी। ठीक है, मुल्ला तकिया का किताब तो आपने देख लिया, मीर तुल अहवाल, मीर तुल अहवाल किसकी रचना है, ये फिर बाद में सवाल भी आ गया, मुल्ला तकिया। ठीक है, और मिर्जा नाथन बहारिस्ते गैबी। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत के महत्वपूर्ण क्या है, भाई तो सब चीज़ रहेगा, कोई भी शासन काल है तो उसके बारे में जानकारी तो सभी जगह से मिलेगी ना। बिहार से प्राप्त पहली द्विभाषीय अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है, शेरशाह सूरी से, दो भाषाओं में लिखा गया है। ठीक है, जो भी अभिलेख है उसमें दो भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है, एक लोकल लैंग्वेज होगा और एक जो दिल्ली का कोर्ट लैंग्वेज होगा। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं, तो अभिलेख जो है वो अकबर का मिलता है। ठीक है, कैसे मिलता है, तो अकबर जो है भाई मस्जिद पे इनका अभिलेख मिला है, क्या लिखा गया है, भगवान के दया से, ऊपर वाले के, अल्लाह ताला के कर्म से, उनके मेहर से, ऊपर वाले के भगवान के कृपा से जो है ये जीत हमें नसीब हुई है। रोहतास फोर्ट, रोहतास फोर्ट जो कि थोड़ा ऊंचाई पे है, पहाड़ी पे है, ठीक है, कैमूर रेंजेस का पार्ट है, 400 मीटर लगभग इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है, वहाँ पे बना हुआ है रोहतास फोर्ट। तो रोहतास फोर्ट जिसके पास है वो समझो कि आप सेंट्रल इंडिया भी जा सकता है, मध्य प्रदेश के तरफ ईस्टर्न इंडिया भी जा सकता है और वेस्टर्न इंडिया भी जा सकता है, तो रोहतास फोर्ट सबके लिए इंपॉर्टेंट था। तो रोहतास फोर्ट को जब अकबर ने जीता था तो वहाँ पे उसने एक इंस्क्रिप्शन लगाया था, जब आप घूमने जाएंगे तो इंस्क्रिप्शन आपको वहाँ दिख सकता है। ठीक है, तो रोहतास फोर्ट जब कैप्चर किया था तो पहला मुगल कौन था, अकबर ने कैप्चर किया था, ना बाबर ने किया ना हुमायूं ने, बाबर को तो टाइम ही नहीं मिला इंडिया में तो वो कर नहीं पाया, हुमायूं को तो शेरशाह सूरी ने पानी पिला दिया था, तो हुमायूं के फिर शेरशाह सूरी के ख़त्म होने के बाद यानी कि मरने के बाद जो है अकबर रूल इस्टेब्लिश करता है, ईस्टवर्ड फैलता है। तो ये मोटा मोटी आपको एक डिटेल में जानकारी मिल गई। ठीक है, इसको ख़त्म कीजिए। तारीख़ ए शेरशाही किसने लिखा है, अब्बास सरवनी ने। तारीख़ ए शेरशाही, शेरशाह के बारे में अगर आपको बायोग्राफी पढ़ना है तो अब्बास सरवनी ने लिखा है। और देखिए दुख की बात यह है कि शेरशाह सूरी जो है वो हमारे बिहार के रूलर थे, उन्होंने बहुत अच्छा ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया और बाकी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। ठीक है, और दिल्ली में अगर वो इस्टेब्लिश होते तो पूरे देश का और बिहार का इतिहास, पूरा शक्ल सूरत सब कुछ बदला हुआ होता। ठीक है, और ये इतने पढ़े लिखे थे, इतने शानदार व्यक्तित्व, इतने शानदार पर्सनालिटी थे, लेकिन फिर भी इनके बारे में जब आप बुक ढूंढने जाओगे तो बुक बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर इनका ऑटोबायोग्राफी आपको पढ़ना है तो बहुत कम है। और ये जो तारीख़ शेरशाही है,
ये भी आपको बड़ी बामुश्किल बहुत मुश्किल से मिलेगा, है ना, अब्बास सरवनी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। एक और किताब है KR कानूनगो के द्वारा लिखा गया है, वो आपको मिल सकता है, वो भी आपको गूगल पे या इस पे अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे इजीली अवेलेबल नहीं होगा। तो ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि हमारे बिहार के थे इतने शानदार जानदार व्यक्तित्व थे, लेकिन उनके बारे में आज बुक नहीं मिलता है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि तारीख़ शेरशाही एकमात्र किताब है जो कि ढंग से इनके बारे में लिखा गया है, तो ये तो याद रखना ज़रूरी है, अब्बास सरवनी ने लिखा था इसको, ठीक है। मुल्ला बहबहानी यात्री थे, कहाँ के थे, मुल्ला बहबहानी जो थे वो ईरान के यात्री थे। पीछे हमने पढ़ा था मुल्ला तकिया के बारे में, है ना, अहवाल उनका बुक का नाम था, ठीक है। तुर्कों के बारे में बताया, मुगल के टाइम में विदेश से आने वाले पहले यात्री थे। मुल्ला बहबहानी जो थे ईरान के यात्री थे और बिहार आते हैं और उनके भी बुक से जानकारी मिलती है, वो अपना ट्रैवलॉग लिखते हैं, यात्रा वृतांत, मीरात अहवाल जहाननामा, जहाननामा। पटना को क्या बोलते हैं, जयातुल हिंद, यानी पैराडाइज ऑफ इंडिया। सोचो पटना के बारे में कितनी तारीफ की गई है, और आज के पटना को अगर आप देखें तो वो कितना डिग्रेड हुआ है, ठीक है। तो जब आप कल को एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएं तो इस चीज़ पे ध्यान दें और बिहार के जो भी शहर हैं सबका विकास कराएं। पटना जयातुल हिंद, जयातुल हिंद, इसने पटना को बोला है, जयातुल हिंद का मतलब क्या है, पैराडाइज ऑफ इंडिया, पैराडाइज ऑफ इंडिया। इसको मेंस में भी यूज कीजिएगा इस फैक्ट को। बिहार में तुर्कों का आगमन जब होता है तो बख्तियार खिलजी, देखिए मोस्ट हेटेड पर्सनालिटी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, प्रथम पड़ाव कहाँ रहा इसका, तो सबसे पहला पड़ाव देखिए बोले ना आपको मनेर आएगा। क्यों, मनेर ईस्टर्न इंडिया में, तो वो आरा वाले एरिया में वो लोग नहीं रुकते थे, मनेर सोन नदी के किनारे है, तो नदी जहाँ पे होता है वहाँ पे अपना पड़ाव लगाया, भाई घोड़ा को पानी पिलाना है, नहाना है, पानी का जरूरत तो पड़ेगा ही ना, तो कहीं पे भी जब भी आर्मी का कैंप लगेगा या रेस्ट करना है तो वो ऐसे जगह करेंगे जहाँ पे पानी का व्यवस्था हो, खाने का व्यवस्था हो। तो मनेर जो है वो सोन नदी के किनारे, और ये कारण है कि मनेर में सब रुकते थे, तो इसलिए मनेर को आप याद रख सकते हैं। मनेर जब भी ऑप्शन में हो तो इसके साथ आप पॉजिटिवली जाइए। कोई भी बाहर से बसने आएगा, किसी को मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है, वहाँ पे एस्टैब्लिश होना है, तो कहाँ बनाएगा, जहाँ पे भाई नदी हो, ठीक है। हर जगह जहाँ नदी होगा वहीं पे सभ्यता का विकास होता है, तो जहाँ नदी होगा हम लोग भी वहीं पे रुकेंगे, ठीक है। तो मनेर, इसलिए मनेर में ताम्रपत्र भी आपको मिलता है, तो मनेर में सबसे पहले ठहरता है। बिहार, बख्तियार के बिहार आक्रमण के समय पाल वंश का शासक कौन था, पाल वंश का शासक था इंद्रदुम्न पाल, ठीक है। लक्ष्मण सेन और पाल शासक इंद्रदुम्न पाल विरोध करता है बख्तियार के आक्रमण को, ठीक है। तो पाल शासक इंद्रदुम्न पाल था और लक्ष्मण सेन था, ठीक है। इसका कहानी आपको बताते हैं आगे। किसके अनुसार बख्तियार खिलजी के पार्थिव शरीर को बिहार लाया गया और बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ले में उसे दफनाया गया, तो ये याद रखिएगा कि इमादपुर मोहल्ला है बिहार में जहाँ पे बख्तियार खिलजी का मजार बनाया गया, उसका वो बनाया गया है। बख्तियार खिलजी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, वो अफगानी था, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट चाहिए था उस समय, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए सबसे बड़ा चीज़ क्या था भाई, मिलिट्री था, तो दिल्ली आ गया तुर्कों के साथ। लेकिन उसको सबसे पहले तो वो इतना कुरूप था, इतना अगली था कि उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया गया, ठीक है। उसके बाद फिर वो तराई का जो युद्ध है मोहम्मद गोरी के साथ, सेकंड तराई युद्ध, पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ाई करता है, उस गैंग में, उस ग्रुप में शामिल होता है, और चूंकि ये लड़ाई मोहम्मद गोरी जीतता है तो इसलिए ये विजेता के टीम का पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर वो इंडियन रूलर्स के अंदर में काम करता है, मर्सनरी के जैसा, भाड़ा पे काम करने वाला के पैसा दीजिए और अपना जहाँ भी अटैक वगैरह करवाना है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, जो कि खुद गोरी का स्लेब था, मोहम्मद गोरी का स्लेब था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था बख्तियार खिलजी को, तो बख्तियार खिलजी इसका स्लेब था। तो मोहम्मद गोरी पहले तराई का द्वितीय युद्ध जीतता है, ठीक है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाता है, ठीक है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो इंडिया पे शासन करता है, ठीक है, मामलुक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी इस्टेब्लिश करता है, और ये अपने स्लेव को, ये अपने गुलाम को बोलता है कि जाओ तुम ईस्टर्न इंडिया के कैंपेन पे निकलो, बिहार बंगाल वगैरह जीत के आओ। तब बख्तियार खिलजी जो है ये आता है, तो देख रहे हैं गुलामों ने हमें गुलाम बना लिया, दुख की बात। चलिए, तो सवाल क्या था, सवाल ये था कि इमादपुर मोहल्ले में, ये जानने का जरूरत नहीं है, इसको हटाइए। बख्तियार ने बिहार और बंगाल के क्षेत्र को जीत कर एक प्रांत के रूप में संगठित कर किसे अपना राजधानी बनाया था, राजधानी कहाँ बनाया था, लखनऊती, लखनऊती कहाँ है, लखनऊती बंगाल में है, लखनऊ मत समझ लीजिएगा, ठीक है। बिहार और बंगाल को एकत्रित कर लिया था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, मलिक इब्राहिम, मलिक इब्राहिम। बख्तियार
खिलजी, इल्तुतमिस अली मर्दान खिलजी। तो खिलजी देखिए काफ़ी बाद में आया है, इल्तुतमिस तो दिल्ली में रहता था, बख्तियार खिलजी सबसे पहले। तुर्क जब आए, जब स्लेव डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुआ, तो सबसे पहले कौन आया बिहार वाला एरिया में? बख्तियार खिलजी। ठीक है, मलिक इब्राहिम का बाद में प्रादुर्भाव होता है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आता मलिक इब्राहिम। ठीक है, सूफी वॉरियर है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे ये आता है और राजा विट्ठल ऑफ बिहार उसको हराता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। मोहम्मद बिन तुगलक MBT मेड हिम बिहार का गवर्नर, सेटल इन बिहार शरीफ। कौन? मलिक इब्राहिम। मलिक इब्राहिम भया भी इसको बोला जाता है। ठीक है, भया इसको टाइटल दिया था। किसने दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक को। कब दिया था? जब इसने राजा विट्ठल को हरा दिया था। तो ये थोड़ा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हो गया, बट याद रखिए क्योंकि ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तुर्क सत्ता का संस्थापक भैया बख्तियार खिलजी। ठीक है, बिहार बंगाल दोनों जीता और संगठित करके अपना कैपिटल लखनौती बनाता है। इनके बारे में क्या बोला जाता है? ये जब ये बंगाल जा रहा था तो लक्ष्मण सेन जो बंगाल का रूलर था, ये मात्र 12-14 घुड़सवार के साथ वहाँ पहुँच गया है। और लक्ष्मण सेन ये 12-14 के साथ, ये 12-14 इस तरह से वहाँ पे गए कि इन्होंने हवा बना दिया। ठीक है, फिर बोलते हैं कि हम घोड़ा बेचने के लिए आए हैं ईरान से और उधर से अरेबिया से आए हैं, और अरेबियन घोड़ा का बहुत बोलबाला था, इंडिया में खरीदते थे लोग। तो ये महल में प्रवेश करता है और महल में जाने के बाद फिर ये कहते हैं कि भाई हम 12 हैं यहाँ पे और पीछे पूरा हमारा गैंग है, हजारों की फौज है, जबकि पीछे कोई था नहीं। ठीक है, और लक्ष्मण सेन इस बात से, इस अफवाह से डर के पीछे के दरवाजे से निकल के निकल लेते हैं और इस तरह से ये बंगाल पे कब्जा करता है ना, दुखद। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? यही मोस्ट हेटेड बख्तियार खिलजी। इसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन, ये जानने की जरूरत नहीं है। बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी? बिहार शरीफ उदांतपुरी। उसने बिहार शरीफ पर विजय प्राप्त किया था, बख्तियारपुर नामक शहर की स्थापना की थी। ठीक है, जब आप पटना से इधर वेस्ट की तरफ, यानी पटना से अगर आप कलकत्ता वाले रूट में जाएंगे तो बख्तियारपुर आपको मिलेगा। पटना के बाद आपको मिलेगा फतुहा और फतुहा के बाद मिलेगा बख्तियारपुर, बीच में छोटे मोटे स्टेशन। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई, तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई? 1198 में, 1198 में। ठीक है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया था? बिहार शरीफ को एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बनाया था। ठीक है, सेक्रेटेरिएट आप एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, और इसका कैपिटल कहाँ था? लखनौती। तो ये पहला ऑप्शन दिया, ये कैपिटल है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल नहीं है। तो बख्तियार खिलजी ने एक तरह से कह सकते हो कि दो शहरों को अपने अंडर डेवलप किया, लखनौती को, बिहार शरीफ को। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? यही बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। अभी कहानी बता दी आपको, फ्लेड व्हेन बख्तियार खिलजी रीच्ड बंगाल। बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में बिहार में होना शुरू हो गया? 12वीं शताब्दी के पहले, है ना, 12th century के पहले, मतलब 1100 के बाद वाला जो टाइम है, 1100 से 1200, इसके पहले सूफी सेंट्स नहीं आए थे। ठीक है, बिहार में पहली बार सूफी सेंट्स 1100 से 1200 के बीच में, ये वाला जो टाइम पीरियड है, वो आना शुरू करते हैं। पहले सूफी संत कौन थे? मोमिन आरिफ थे। तो ये याद रखिएगा क्योंकि पहले सूफी संत है मोमिन आरिफ। मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? ताज फकी। ठीक है, तो ये इसको छोड़ दीजिए। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है कहाँ से? तबकत ए नासरी। किसने लिखा था? मिन्हाज उस सिराज ने। ठीक है, ये मिन्हाज उस सिराज कौन थे? मामलुक डायनेस्टी के प्रिंसिपल हिस्टोरियन थे। ठीक है, मतलब हर डायनेस्टी अपना अपना हिस्टोरियन रखता है। जैसे अगर आप देखें तो कर्नाट डायनेस्टी में आपको चंदेश्वर ठाकुर मिले। ठीक है, अकबरनामा लिखने वाला कौन है? अबुल फजल है। ठीक है, बाबर ने तो खैर खुद ही लिखा था, तुजुक ए बाबरी, लेकिन अकबर का अकबरनामा किसने लिखा? तो अबुल फजल ने। उसी तरह से फैजी भी था। तो ये मामलुक डायनेस्टी जो है, स्लेव डायनेस्टी है, गुलामों का जो डायनेस्टी है, उसका मेन राइटर था मिन्हाज उस सिराज। तो ये मिन्हाज उस सिराज, इसका बुक तबकत ए नासरी, और उसमें बिहार के बारे में, बख्तियार खिलजी के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। किसने बिहार के तरुज क्षेत्र में जबरदस्ती खराज वसूलता था? खराज कौन सा जबरदस्ती, जो जबरदस्ती का टैक्स होता है, वो कौन वसूलता था? गयासुद्दीन। ठीक है, किसने तुगरील तुघान को बिहार और बंगाल को वैध शासक होने की मान्यता दी थी? तुगरील तुघान को, ये भी इल्तुतमिस का स्लेव था। ठीक है, इल्तुतमिस का स्लेव था। इल्तुतमिस किसका स्लेव था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका स्लेव था? गोरी का। गोरी का स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक,
कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेब इल्तुतमिश और इल्तुतमिश का स्लेब तुगरील खान, इल्तुतमिश का स्लेब कुतुबुद्दीन ऐबक के एक और स्लेब कौन, बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो स्लेब स्लेब का पूरा कहानी चल रहा है बॉस, और स्लेबों ने स्लेब बना दिया। तो तुगरील खान जो है वो इल्तुतमिश का स्लेब है, ठीक है, और उसको जो है बिहार और बंगाल का वैध शासक होने की मान्यता किसने दी, तो रजिया सुल्तान ने और बहराम शाह ने। मुल्ला तकिया पीछे भी आया था, ठीक है, जो पटना का बहुत तारीफ करता है और बोलता है पैराडाइज ऑफ इंडिया है ना, जयतुल हिंद। मुल्ला तकिया के अनुसार किसने तिरुत पर आक्रमण कर उसके शासक को बंदी बना लिया था, तुगरील तुगान ने। मुल्ला तकिया ने बताया यह तुगरील तुगान के बारे में। तो तुगरील तुगान इतनी बार आया है, ये नाम याद रखिएगा, कि नॉर्थ बिहार पर इसने कब्जा किया था। ठीक है, मुल्ला तकिया के अनुसार रजिया सुल्तान और तुगरील के कमजोर शासन काल में तिरुत के नरसिंहदेव ने विरोध जताया, जिसके बाद तुगरील ने तिरुत पर हमला कर इसके शासक को बंदी बना लिया। रजिया सुल्तान का अपना अलग कहानी है, ठीक है, तो जब वो वीक हो रही थी तो ये जो नरसिंहदेव हैं इन्होंने एक तरह से आप कह सकते हो कि रिवोल्ट कर दिया। तो जब ये फिर से वापस से पावरफुल हुई तो तुगरील तुगान को भेजा और बोला कि भैया इनको कैदी बना लीजिए। तो तुगरील तुगान का ये कहानी है। किस सुल्तान ने संत सरफुद्दीन और सूबेदार जैनुद्दीन के लिए एक बुल्गेरियन दरी भेजी थी, बुल्गेरियन दरी मोहम्मद तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। बिहार के सूफी संत सरफुद्दीन के मलफुजात से जैनुद्दीन मजदूल मुल्क के बिहार के भुगती या सूबेदार होने का पता चलता है। ये इन्फॉर्मेशन छोड़ दीजिए, आप इतना बस याद रखिए कि भैया एक तो कि बिहार में सूफी संतों का आगमन जो है 1100 से 1200 एडी में होना शुरू हो गया था, दूसरा क्या है कि सूफी संतों का जो है वो लड़ाई झगड़े में भी इन्वॉल्वमेंट होता था, ऐसा नहीं है कि इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। ठीक है, मलिक बया का आपने पीछे देखा, वो भी सूफी संत बरियर थे, मलिक इब्राहिम बया, ठीक है, राजा बैठल को हराया था इन्होंने, और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको बया का टाइटल दिया था। ठीक है, बिहार का गवर्नर भी बनाया था, ये क्या थे, सूफी वॉरियर थे। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे आप देखिए कि किसका लड़ाई में मनेर के विजय में किस सूफी संत का संबंध था, तो मोमिन सॉरी ताज फकीह का। ठीक है, तो इसमें रहता था, तो सूफी संत का ये रहा। और दरी भेजा गया था किसके द्वारा, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। हाजीपुर और समस्तीपुर का संस्थापक कौन था, शमसुद्दीन हाजी इलियास, नाम में हाजी आया, हाजीपुर है। ठीक है, हालांकि हाजी हाजिर जंग, तो ये हाजिर जंग है, ठीक है, और यहाँ हाजी है, तो हाजीपुर इन्होंने किया था इस्टेब्लिश। ठीक है, किस सुल्तान ने इलियास को तिरुत से निकालकर बाहर किया, ये सब सवाल मेरे ख्याल से हम छोड़ते हैं क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश किसका गुलाम था, कमेंट में बता दीजिएगा। बिहार को दिल्ली सल्तनत का अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार स्थापित किया था, बताइए, हिसामुद्दीन ऐबज। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा, ठीक है, तो तुगान खान से ये भी छोड़ दीजिए। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व रहा, ठीक है, तो तुगलक काल में। बिहार का कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था, गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है, फर्स्ट ऑफ तुगलक डायनेस्टी, सन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक इनके लड़के हैं गियासुद्दीन तुगलक के, तो गियासुद्दीन तुगलक जो है वो तुगलक डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करते हैं। तुगलक के पहले क्या था, मामलुक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, उसको ख़त्म करके तुगलक डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया गया, और तुगलक डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था गियासुद्दीन तुगलक ने, और गियासुद्दीन तुगलक जो है वो आते हैं और कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को हराते हैं। हरि सिंह देव कहाँ चले जाते हैं, हरि सिंह देव चले जाते हैं नेपाल। हरि सिंह देव के साथ और क्या जुड़ा हुआ है कि हरि सिंह देव सोशल रिफॉर्मर थे, और क्या है, राजनीति रत्नाकर चंदेश्वर ठाकुर ने इन्हीं के टाइम पर लिखा था। तो ये तीन चार इन्फॉर्मेशन हरि सिंह देव से रिलेटेड है, ठीक है, चलिए। गियासुद्दीन तुगलक तिरुत पे टकसाल वगैरह। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था, दरभंगा को, तिरुत को, नॉर्थ बिहार से बहुत अटैचमेंट था, दिल्ली से सीधे इधर ही पहुंच जाते थे, इधर नहीं पहुंच रहे, ठीक है, तो तुगलक के टाइम पे बख्तियार खिलजी तो इधर आया था ये वाला पूरा एरिया में, और बख्तियार खिलजी भी ऊपर गया था, बट तुगलक के टाइम पे
जो है आप गियासुद्दीन तुगलक को देखें या मोहम्मद बिन तुगलक को देखें, तिरहुत वाला रीजन से बहुत अटैच थे, इंटरेस्टेड थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दरभंगा तिरहुत यहीं पे इस्टेब्लिश किया था, उसका सॉरी उसका नाम तुगलकपुर रख दिया था। दरभंगा में एक दुर्ग किला एवं जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने और किसको भेजा था? मलिक बया को भेजा था, राजा बिठल को हराया था। इसने दरभंगा का नाम चेंज किया, इसने दुर्ग और जामा मस्जिद बनाया, है ना। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ, आधुनिक नालंदा, ठीक है। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग इंटरेस्ट के हिसाब से राजधानी चेंज होते रहता है। एंशियंट टाइम पर राजगीर था, उसके बाद पटना हुआ, फिर आप देखिए तो काल अशोक के टाइम पे वैशाली है, शिशुनाग डायनेस्टी के टाइम पे फिर वापस पटना आ जाता है, फिर आप देखो तो यहाँ पे बिहार शरीफ है, फिर आपको मिडिवल टाइम में बिहार शरीफ मिल रहा है, मिडिवल टाइम में जब आप मीर कासिम को देखेंगे तो मुंगेर है, फिर आप उधर कर्नाट डायनेस्टी को देखोगे तो ऊपर में है, फिर वैशाली भी वैशाली तो बता दिया मैंने। तो इस तरह से अलग अलग टाइम पे अलग अलग रूलर के हिसाब से और अलग अलग इंटरेस्ट के हिसाब से राजधानी बदलती रहती है। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? बिहार नाम का राज, बिहार नाम को बिहार तुर्कों ने नाम दिया था। और तुर्कों ने कैसे दिया था भाई? यहाँ पे बौद्ध विहार बहुत ज़्यादा थे, तो बिहार, तो विहार ये लोग बोल नहीं पाते थे, तो वी को बी कर दिया, तो बिहार हो गया, समझे, वी आई एच ए आर, वी को बी कर दिया। किसने कर दिया? तुर्क ने कर दिया, ठीक है। किस काल में पड़ा था? तुगलक के काल में पड़ा था। चलिए, मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था? अभी पीछे इसके आ रहे हैं, पूरा स्टोरी बताया आपको। मलिक इब्राहिम या मलिक बया किसके शासनकाल में था? तुगलक के शासनकाल में था। मोहम्मद बिन तुगलक इसको कहाँ भेजता है? राजा बिठल को हराने के लिए, और हरा देता है। सूफी था, वॉरियर था, ठीक है, जैसे आप कह सकते हो खालसा वॉरियर्स हैं सिख में, तो उसी तरह से ये सूफी वॉरियर है, ठीक है। बिहार का गवर्नर भी इसको बनाया जाता है। किसके टाइम पे? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासनिक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा कहाँ पे है भाई साहब? बिहार शरीफ में। तो आपको बख्तियार खिलजी का भी मकबरा बिहार शरीफ में मिल जाएगा, मलिक बया का यानी इब्राहिम का भी यहीं पे आपको मिल जाएगा। तो मकबरा रिलेटेड कुछ आ जाए कि कहाँ दफनाया गया, तो बिहार शरीफ है। बिहार शरीफ किसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल था? बख्तियार खिलजी का, और ऐसे कैपिटल लखनऊती था। बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिर्मपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। बिहार के प्रसिद्ध संत कौन थे? शेख अहमद चिर्मपोश, ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक। कौन था? कजन था मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का कजन था फिरोज शाह तुगलक, और शेख अहमद चिर्मपोश से मिलता है, ठीक है। तो मोहम्मद तुगलक नहीं, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख कहाँ से मिलता है? बिहार शरीफ से मिलता है। उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था? गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा हुआ था, ठीक है। गियासुद्दीन हिंदी में लिखा हुआ है, गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। गियासुद्दीन तुगलक कौन था? सॉरी, गियासुद्दीन तुगलक जो थे तुगलक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, जो इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी, बख्तियार खिलजी वाला जो डायनेस्टी था, वो जब खत्म होता है बलबन के बाद, तब बनता है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी इसको इस्टेब्लिश कौन करता है? उसी बंदे का नाम है गियासुद्दीन तुगलक। पहले ये आर्मी में इन्हीं लोग के साथ काम करता था, उसका जब देखा राजा कमजोर हुआ तो कब्जा कर लिया, ठीक है। और गियासुद्दीन तुगलक जो है, इसका लड़का जो है वो है मोहम्मद बिन तुगलक, और इसका कजन है फिरोज शाह तुगलक। तो ये है पूरा इसका लीनियज, ठीक है। दिल्ली दूरस्थ गियासुद्दीन तुगलक के बारे में बोला जाता है कि वहाँ के सूफी सेंट थे, तो उनको ये परेशान कर रहा था निजामुद्दीन, या कोई तो दरगाह एक बन रहा था वहाँ पे बिल्डिंग, तो ये बोल रहा था कि नहीं इसका किला बनेगा। तो वही वो जो सूफी सेंट थे उन्होंने इसको श्राप दिया था, बोला था कि तुम्हारे किला में, तुम्हारे इसके किला के बारे में बोले कि या रहे उज्जर या बसे गुज्जर, या रहे उज्जर, उज्जर मतलब उजाड़, या बसे गुज्जर, गुज्जर मतलब कौन, जो बकरी भेड़ ये सब उस टाइम पे पालते थे। तो इसका कहना था कि या रहे उज्जर या बसे गुज्जर तुम्हारे किले में, क्यों? क्योंकि तुम जबरदस्ती लोगों से काम करवा रहे हो। कहानी बहुत डिटेल है, उतना नहीं डिटेल डिस्कस करने का जरूरत है। और इसके बारे में बोला जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक इसके लड़के ने ही साजिश करके इनको मरवा दिया था। जब ये बिहार से वापस दिल्ली आ रहे थे, तो जब राजधानी दिल्ली में एंटर करना था, तो एक जगह गड्ढा था, ठीक है, खाई था, तो वहाँ पर रैंप बनाया गया ऐसा करके, ठीक है। तो इसी पे चढ़ के इनको आना था, ये हाथी पे बैठ के आ रहे थे भाई साहब,
ठीक है, जब हाथी यहाँ पे आया तो नीचे कुछ था नहीं, ये रैम टूटा, हाथी गिरा, उसके ऊपर गियासुद्दीन तुगलक गिरा, तुगलक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो वही वो जो सूफी सेंट थे जिन्होंने बोला था कि या रहे उज्जर या बसे गुज्जर, उन्होंने ही बोला था कि दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है। इसके लिए जब ये खबर भिजवाया कि आ रहे हैं दिल्ली, बताते हैं तुम लोग ज़्यादा बॉस बन रहे हो, तो वही वो सूफी सेंट जो हैं वो बोलते हैं कि दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है बॉस, दिल्ली पहुँच के तो दिखाओ। तो तभी से ये पूरा मुहावरा बन गया है कि दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर है। समझे, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा। 14वीं शताब्दी में तिरुद में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ किया था? फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ किया था, नहीं पढ़ना है। तिरुद के किस वैनवार वंश के शासक के छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति, ठीक है, तो वैनवार वंश के विद्यापति, वैनवार वंश था उसमें विद्यापति हम जानते ही हैं, मैथिल कवि और शिरोमणि, मैथिली शिरोमणि है, शिव सिंह के टाइम पे थे विद्यापति, शिव सिंह के टाइम पे थे, ठीक है। बिहार में सबसे पहले तुर्कों की गतिविधि के बारे में कहाँ से पता चलता है? तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे तबकात नासरी, है ना, किसका किताब है, मिनहाजुस सिराज। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? इब्राहिम लोदी के टाइम पे दरिया खान नूहानी, दरिया खान नूहानी, ठीक है, दरिया खान नूहानी इब्राहिम लोदी के टाइम पे था और विद्रोह किया था। चलिए, बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? 13वीं शताब्दी में। तो ऐसा नहीं है कि अभी का है ये, 13वीं शताब्दी में किया गया था। वर्तमान बिहार के क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में आपको मिलती है? तबकत नासरी में। कौन है? तुर्कों के टाइम पे था, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी का इम्पोर्टेंट, तुगलक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी के टाइम का आपको सारा डिटेल तबकत नासरी के मिनहाजुस सिराज के बुक तबकत नासरी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बिहार पहली बार, अभी जो वो भी से बी होने का कहानी था। तिरुहुत को तुगलकपुर का नाम किसने दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था, तिरुहुत को तुगलकपुर नाम दे दिया था, तिरुहुत दरभंगा का नाम तुगलकपुर कर दिया था। तो तुगलक नाम कौन रखेगा? कोई तो तुगलक ही होगा। अब गियासुद्दीन तुगलक देखते हैं, ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक इस्टेब्लिश किया था, ये जीत के गया था वापस, कर्नाट वंश को ख़त्म किया था, लेकिन नाम नहीं चेंज किया था, और दिल्ली जाके तो दिल्ली दूरस्थ इसका हो गया, ठीक है। इसके बाद इसका बेटा बनता है मोहम्मद बिन तुगलक, तो वही जो है वो नाम रखता है तुगलकपुर, और फिरोज शाह तुगलक तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आता है, ये तो इसका कज़न है, ठीक है। अपना सिक्का कौन जारी किया? ऑब्वियस सा बात है, फिर से मोहम्मद बिन तुगलक करेगा, क्योंकि गियासुद्दीन तुगलक को तो टाइम ही नहीं मिला जारी करने का, और फिरोज शाह तुगलक तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद का है, तो मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर को अनुदान दिए थे? फिरोज शाह तुगलक ने दिया था, ठीक है, ये सूफी सेंट से भी मिल रहा है, उसके लिए दरी तकिया ये सब भी भेज रहा है, जैन मंदिर के लिए भी काम कर रहा है। तुगलक काल में बिहार के प्रांतीय पद पर आसीन रहे, कौन आसीन रहे, ठीक है, मलिक बया भी रहे और मजदूर मुल्क भी रहे। तो मलिक बया तो याद रखिएगा, सूफी वॉरियर, सूफी सेंट, जिसका कि आपको कब्र कहाँ मिलता है? बिहार शरीफ में, बिहार शरीफ में बख्तियार खिलजी का भी कब्र है। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया? दिल्ली के कौन सा सुल्तान था? सिकंदर लोधी। कहाँ तक? मुंगेर तक। मुंगेर किधर पड़ता है? ये मनेर और ये मुंगेर, ठीक है, तो मुंगेर तक, दिल्ली से आया मुंगेर तक कब्जा किया। बिहार में जौनपुर के सरकी के प्रभाव की शुरुआत कब से हुई? ठीक है, तो ये छोड़ दीजिए। महमूद तुगलक ने मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ, जिसे मलिक उस सर्क भी कहा जाता था, वो बिहार पर शासन करने के लिए भेजा था महमूद तुगलक ने, ठीक है, मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ। मनेर स्थित बड़ी दरगाह मखदूम यहिया मनेरी, मखदूम यहिया मनेरी, ये आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा, बड़ी दरगाह और छोटी दरगाह, बड़ी दरगाह जो है, और ये किस सिलसिला से थे, कौन से सिलसिला को फॉलो करते थे, किस सिलसिला के ये सूफी सेंट थे, ये आपको कमेंट में बताना है। मखदूम यहिया मनेरी, ठीक है, ये बड़ी दरगाह में इनका मजार है। चलिए, चेरो वंश एवं उज्जैनिया वंश में देखते हैं। सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ था? खरवार का, ठीक है, खरवार का हुआ था। चेरो का किधर होता है? थोड़ा और साउथ में। पाल सत्ता के पतन काल में सोन नदी की घाटी में हुआ था खरवार का। पाल सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य गठित कर लिया था? भार ने,
BHAR बहार, या आज ही आज उसको रजभार बोला जाता है। जैसे ओम प्रकाश राजभर आपको दिखेंगे, उत्तर प्रदेश में एक पॉलिटिकल पार्टी है सुहेल देव समाज पार्टी करके, तो ओम प्रकाश राजभर उसके लीडर हैं, तो वही उसी बहार की बात हो रही है, तो राजभर बहार, ठीक है। तो राजभर और राजपूतों की लड़ाई थी जब कर्नाट वंश खत्म हो जाता है उसके बाद, ठीक है। तो मध्य बिहार में ये जनजातीय थे और मध्य बिहार में इन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया था। 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन राज्य संगठित हो रहा था? चेरो राज्य, ठीक है। इधर भार था मध्य बिहार में, खरवार आपको देखिए साउथ में दिख जाएगा, और चेरो जो है ईस्टर्न बिहार में इस वाले रीजन में दिखेगा। कहाँ पे? इस वाले रीजन में चेरो आपको दिख रहा है, ये चेरो का एरिया है, ठीक है। ये भार का एरिया है और ये खरवार का एरिया है, ये मैप याद रखिएगा। चेरो राज्य का संघर्ष जो है किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हो रहा था, इसको छोड़ दीजिए। दलपत शाही का संबंध किस राज्य से था? दलपत शाही का संबंध उज्जैनिया राज्य से था। दलपत शाही नाम है, दलपत शाही, ठीक है। जगदीशपुर स्टेट जहाँ से कुंवर सिंह जी भी हैं, इस देयर लीनियज उज्जैनिया राजपूत इनको बोला जाता है। डिसेंडेंट ऑफ परमार ऑफ मालवा नेम्ड भोजपुर आफ्टर राजा भोज, ठीक है। तो मालवा के जो परमार हैं उनके डिसेंडेंट हैं, उज्जैनिया राजपूत हैं, और ये जगदीशपुर वाला जो एरिया है वहाँ पे इनका आप कह सकते हैं कि एक तरह से सामंत अधिकार था। चेरो शासकों को शाहबाद क्षेत्र से विस्थापित किया गया, शाहबाद का क्षेत्र आरा वाला जो एरिया है, चेरो शासकों को किसने विस्थापित किया? उज्जैनियों ने विस्थापित किया। तो चेरो यहाँ पे हमने जो देखा था, चेरो को विस्थापित करके यहाँ पे कौन बनते हैं फिर वापस? उज्जैनिया, उज्जैनिया राजपूत, और तभी फिर आपको कुंवर सिंह 1857 में इतिहास में पढ़ने को मिलते हैं। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? चेरो शासकों से, चेरो शासकों से उसने हेल्प लिया था शेर शाह सूरी ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष करने में। मुगल के विरुद्ध कब से कर रहे थे? वो बाबर के टाइम पे भी कर रहे थे और हुमायूं के टाइम पे भी कर रहे थे। जनजातीय राजवंश कौन है जिसने बिहार पे शासन किया है? चेरो वंश है, ठीक है, चेरो वंश। किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी? फूलचंद ने। तो चलिए, मेला और फूलचंद ऐसे याद रखिएगा कि मेला में फूल वगैरह आपको खूब मिलेगा, ठीक है। तो चेरो राजा था फूलचंद, उसने जगदीशपुर मेले की शुरुआत की थी। चेरो कहाँ पे था? ईस्टर्न इंडिया में, ईस्टर्न बिहार में, वो जो आप कह सकते हैं आरा बक्सर वाला जो रीजन है, शाहबाद एरिया इसको बोला जाता है। चेरो को फिर उज्जैनियों ने डिस्प्लेस कर दिया था। उज्जैनी कौन थे? परमार, मालवा के जो परमार डायनेस्टी थे उसके डिसेंडेंट थे, और इसी में ये इनको हटा देते हैं, यहाँ से हरा देते हैं, ये फिर साउथ बिहार चले जाते हैं, तो आपको झारखंड वाला रीजन में ये मिलेंगे, और फिर यहाँ पे आपको पूरा उज्जैनिया राजपूत का शासन होता है, जो कि 1857 में आपको जगदीशपुर स्टेट से बाबू कुंवर सिंह की कहानी पढ़ने को मिलती है। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा किया गया था? अभी हमने देखा उज्जैनी शासक। भोजपुर में उज्जैनी वंश की वंश का संस्थापक कौन रहा? तो संतन सिंह है, ठीक है। इनका मूल नाम देवराज था, तो अगर याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, संतन सिंह। भोजपुर के उज्जैनी शासक की राजधानी कहाँ रही? ठीक है, बक्सर भी, भीटा भी, ढाबा भी चेंज होता रहा, क्योंकि उस समय क्या था कि वो इतना प्रोस्पेरस स्टेट नहीं था कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स और बहुत बड़ा बड़ा ये चीज़ बने, तो अपने सहूलियत के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, सिक्योरिटी के हिसाब से कैपिटल को चेंज करते रहते थे, ठीक है। चलिए इसको छोड़ते हैं। चांद एवं मुंडे, जो चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिर से जुड़े हैं, ये संबंधित हैं किससे? शाहबाद के चेरो से, ठीक है। कैमूर हिल्स पे आपको ये मंदिर मिल जाएगा, कौन? चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी मंदिर, ठीक है। और आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, इसको ओल्डेस्ट टेंपल ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो अगेन ये मेंस में हम लिख सकते हैं कि बिहार में चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी मंदिर जो कैमूर हिल्स पे है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेंपल ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाले सवाल में इसको हम फैक्ट के तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी किसकी? नूहानी कबीले की। अफगान सत्ता का जो उत्कर्ष है वो नूहानी कबीले का देन है, ठीक है। दरिया खान नूहानी, दरिया खान नूहानी ने पहली बार रिवोल्ट किया था। सिकंदर लोधी ने किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? दरिया खान नूहानी को, ठीक है। अब देखिए यहाँ से नूहानियों को देखते हैं। दरिया खान नूहानी पिताजी हैं, बहार खान नूहानी है, फिर उनका लड़का है जलाल खान नूहानी,
ठीक है। तो दरिया खान उहानी को कौन इस्टेब्लिश करता है? सिकंदर लोधी करता है, लोधी डायनेस्टी का रूलर है, और ये लास्ट जो है दिल्ली सल्तनत का, इसके बाद बाबर आ जाता है सिकंदर लोधी, सॉरी सिकंदर लोधी के बाद नहीं, इब्राहिम लोधी के बाद, ठीक है। तो सिकंदर लोधी जो है वो दरिया खान उहानी को बिहार का गवर्नर बनाता है। दरिया के लड़के हैं बहार खान, बहार खान का लड़का है जलाल खान, बहार खान का डेथ हो जाता है, जलाल खान माइनर होता है, छोटा बच्चा होता है, उसको ट्यूशन पढ़ाता है शेर खान, शेर शाह सूरी, ठीक है। शेर शाह सूरी जो है वो धीरे धीरे फिर टेक ओवर कर लेते हैं और वो बन जाते हैं बिहार के रूलर, ठीक है। और वो हराते हैं हुमायूं को चौसा के युद्ध में, लक्ष्मणगढ़ के युद्ध में, फिर उधर जो है बंगाल के रूलर्स को वो जगह का नाम नहीं याद आ रहा है, मुंगेर के पास हराते हैं मुंगेर के लड़ाई में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है एक वॉर में बम फट जाने की वजह से इनका जो है डेथ हो जाता है। तो उसके बाद फिर मुगलों का रूल इस्टेब्लिश होता है। तो ये है पूरा, यहाँ से आपको जब ये देखना है कि नुहानी जो वंश है तो नुहानी का कैसे हुआ भाई, तो नुहानी एक तो अफगानी थे, शेरशाह सूरी भी अफगानी थे, अफगान रूलर थे, ठीक है। इनको सिकंदर लोधी इस्टेब्लिश किया और उसके बाद बहार खान, जलाल खान, शेर खान। तो ये क्रोनोलॉजी और नाम याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सिकंदर लोधी ने बिहार का प्रभारी नियुक्त किया दरिया खान नुहानी को, ये बाप था, पिताजी थे, ठीक है। नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था? अगेन मोहम्मद शाह नुहानी, ठीक है। मोहम्मद खान लोहानी का असली नाम बहार खान था, ठीक है। इसने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। दरिया खान उहानी को सिकंदर लोधी ने बनाया अपना गवर्नर एक तरह से, और इनके लड़के जो हैं बहार खान, बहार खान बोलते हैं कि भाई साहब हम इतने स्ट्रांग हैं कि हम अपना रूल करेंगे, हमको लोधी डायनेस्टी के अंदर में रह के काम नहीं करना। और उस समय तक लोधी डायनेस्टी का फॉल भी होना शुरू हो चुका था, ठीक है। तो स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। महमूद लोधी को विस्थापित कर, यानी मोहम्मद लोधी को विस्थापित करके बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक बनाया था? जलाल खान को, ठीक है, जलाल खान को, बहार खान का लड़का बाबर ने इसको बनाया था। सूर साम्राज्य, शेर शाह सूरी के बारे में देखते हैं, 1540 से 1545। सूरवंश की स्थापना किसने की थी? ऑब्वियस बात है हमारे मोस्ट फेवरेट शेरशाह सूरी ने। शेरशाह का बचपन का मूल नाम फरीद खान था, फिर एक शेर को मार दिया तो इनका नाम पड़ गया शेरशाह। शेर खान की उपाधि किसने दी थी? मोहम्मद नुहानी ने, शेर को मारने के उपलक्ष्य में। शेर खान के पिता हसन खान जागीरदार थे। हसन खान जागीरदार थे किसके? सासाराम के। और जो इनके जो हेड थे, गुरु थे, वो जौनपुर में रहते थे, ठीक है, जौनपुर उत्तर प्रदेश में आजकल पड़ता है। तो हसन खान जागीरदार थे, अपने बेटे को पसंद करते नहीं थे शेर खान को। तो शेर खान क्या है कि एक टाइम के बाद, और शेर खान की माँ जो है वो इनकी पहली बीवी थी, तो शेर खान अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, हसन खान इनको, और हसन शेर खान जो अपने पिता से बहुत प्यार नहीं करते थे, पिता से बहुत रुष्ट रहते थे। तो ये चले जाते हैं जौनपुर, ठीक है, जौनपुर चले जाते हैं, और जो इनके गुरु हैं हसन खान के गुरु, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव गुरु, जो मतलब इनके ऊपर के पोस्ट वाले हैं, तो उनके यहाँ ये जाते हैं नौकरी मांगने के लिए। तो ये फिर चिट्ठी लिखते हैं हसन खान को, कह रहे भाई तुम्हारा लड़का मेरे पास आया हुआ, क्या बात है। और हसन खान को डर लगता है, कह रहे यार ऐसा ना कि मेरा जाके शेर खान कंप्लेन कर दे और मेरा यहाँ से जागीरदारी जमींदारी चला जाए। लेकिन शेर खान कंप्लेन नहीं करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई हमको नौकरी चाहिए। तो पूछते हैं क्या करोगे, तो बहुत पढ़े लिखे हैं शेर खान, तो इनको अकाउंट्स का काम मिलता है, फिर ट्यूशन पढ़ाने का काम मिलता है, तो तरह से वो वहां पे नाम कमाते हैं, काफी नाम कमाते हैं। ये काफी तारीफ करते हैं शेर हसन खान को वापस से चिट्ठी लिख के। तो ये मोटा मोटी शेर खान के बारे में छोटा सा आपको एक कहानी बता दिया। यही शेर खान जब वापस आते हैं तो जलाल को भी ट्यूशन पढ़ाते हैं, और जलाल के पिताजी बहार खान जब उनका डेथ हो जाता है तो जलाल का देख रेख करते हैं, केयर टेकर आप प्राइम मिनिस्टर कह सकते हो कि बिहार का बन जाते हैं। बाद में फिर रानी से शादी भी कर लेते हैं। शेर खान के पिता हसन खान जागीरदार थे सासाराम के, याद रहेगा। शेर खान बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? जलाल खान का, ये भी अभी आपको बता दिया। शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ था? तो ये आप बताइएगा, सूरजगढ़ा, यही मुंगेर के पास जो लड़ाई हुआ था, बहुत खतरनाक लड़ाई था, पहाड़ था, पहाड़ के पास से लड़ाई करना है, ये इधर से साउथ बिहार से झारखंड होते हुए जंगल होते हुए सूरजगढ़ा पहुँचे थे कि किसी को पता न चले। और सूरजगढ़ा की लड़ाई में जब ये जीतते हैं तो इनका रूल इस्टेब्लिश हो जाता है। इधर खड़गपुर की पहाड़ी है मुंगेर के आसपास में, ठीक है। चौसा का युद्ध तो इन्होंने उसके साथ किया था, हुमायूं के साथ किया था बाद में। शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? अगेन ये देख लीजिए, चौसा का युद्ध है, ठीक है, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कह लीजिए उसको, ये दोनों युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। शेर शाह द्वारा पटना के नव निर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है? तारीख दाऊदी में। चलिए, तो ये अगर याद रख सकते हैं तो रख लीजिए।
पटना का नव निर्माण कराया गया था। शेर शाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत की गई थी? कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के बाद, ठीक है, अफगान राज्य की पुनर्स्थापना, सूरजगढ़, कन्नौज या बिलग्राम कह लीजिए, चौसा कह लीजिए, ये सब शेर शाह ने लड़ा और सब जीता था। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था? सासाराम, प्रशासनिक प्रयोगशाला था, ठीक है, कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज लेके आना है, कैसे अच्छे से जस्टिस देना है। इनकी एक छोटी सी कहानी आपको यहाँ पे बता देते हैं कि इनका जो लड़का था इस्लाम शाह, तो इस्लाम शाह ने एक बार, एक लेडी थी, तो ये वो या गाड़ी से घोड़ा से किसी भी चीज़ से जा रहा होगा, उसने थूका और उस लेडी के शरीर के ऊपर थूक दिया। वो लेडी गई और शेर शाह से जाके कंप्लेन करती है। पता है शेर शाह ने क्या किया? शेर शाह ने अपने लड़के को मार्केट में ले जाके खड़ा कर दिया और उस लेडी को बोला कि तुम इस लड़के के शरीर पर अब तुम थूको, ठीक है। क्यों? क्योंकि शेर शाह बहुत ही कड़क और बहुत ही इंसाफ पसंद व्यक्ति थे। चलिए, चेरो जनजाति, चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा किया गया था? उज्जैनियों के द्वारा किया गया था। अभी हमने देखा था, ये बार बार मैप में बिहार का इस तरह से बना के इसलिए दिखाता हूं कि आपके दिमाग में कहानी एस्टैब्लिश हो जाए। तो ये चेरो डायनेस्टी जो यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था, यहाँ पे भार डायनेस्टी था और नीचे में खरवार था। चेरो को किसने हटाया? मालवा से परमार के जो डिसेंडेंट थे वो यहाँ पे आते हैं, जिनको कि उज्जैनी राजपूत बोला जाता है, वो यहाँ से चेरो को हटा देते हैं, चेरो चला जाता है नीचे और यहाँ पे रूल हो जाता है उज्जैनी डायनेस्टी का। उज्जैनी डायनेस्टी से ही हमें मिलते हैं कुंवर सिंह, और उज्जैनी डायनेस्टी के इस्टेब्लिश करने वाले पहले रूलर कौन थे? संतन सिंह, ठीक है, संतन सिंह उनका नाम था। और लास्ट जो फेमस रूलर है वहाँ के, लास्ट जमींदार, वो बाबू कुंवर सिंह है, ठीक है। चलिए, भोजपुर में उज्जैनी वंश का संस्थापक कौन था? आ गया फिर से देखिए यहाँ पे, संतन सिंह, मूल नाम देवराज था। भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी कहाँ रही? सारे जगह, अच्छा ये सेम पेज फिर से आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए, बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन रहा? दाऊद खान करारानी, ठीक है, अंतिम शासक रहा। इब्राहिम लोधी नहीं, सुलेमान करारानी नहीं, इब्राहिम शाह सूर नहीं, दाऊद खान, ठीक है, दाऊद खान अंतिम शासक रहा। शेर शाह का मकबरा कहाँ है भाई साहब? सासाराम में है, बहुत खूबसूरत है, तालाब के बीच में है, ठीक है। बिहार टूरिज्म को अगर प्रमोट करना है तो इस ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ पे मिलती है? तारीख दाऊदी में। शेर शाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया था? जब्त प्रणाली की शुरुआत की गई थी, सही बात है। सिकंदरी गज एवं सन एवं डंडी का प्रयोग, सही बात है। रुपया का प्रचलन, जब्ती प्रणाली, ये सब लैंड रिफॉर्म है। कोई भी रूलर जब बनेगा तो सबसे पहले लैंड रिफॉर्म करेगा। क्यों? पहले जमीन से ही सारा काम होता था, जमीन पे ही फसल उगता था, फसल से ही फिर टैक्स आता था। तो शेर शाह सूरी ने जो है वो सबसे पहले लैंड रिफॉर्म किया, तो जब्ती प्रणाली का सिस्टम डेवलप किए। सिकंदरी गज लैंड को नापने का तरीका था, सिकंदरी गज, उस समय के जो अमीन थे वो सिकंदरी गज से नापते थे, ठीक है। और रुपया का प्रचलन किया गया, ठीक है, कि रुपया चलेगा, पंचमार्क कॉइन। बिहार राज्य में स्थित सासाराम रोहतास के किला का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने करवाया था। निम्न में से कौन सा कार्य शेर शाह द्वारा नहीं किया गया है? तो देश की भूमि का सर्वेक्षण, अभी बताया, लैंड रिफॉर्म, ग्रैंड ट्रंक रोड, सड़क आजम, ठीक है। इबादत खाना नहीं किया गया था। इबादत खाना किससे जुड़ा हुआ है? अकबर से। इबादत खाना में ये क्या करते थे? अलग अलग धर्मों के धर्म गुरुओं के साथ बैठ कर डिस्कशन करते थे कि भाई एक कैसे प्रॉस्पेरस और पीसफुल सोसाइटी बनाया जाए, कैसे एनलाइटमेंट मिले। मध्यकाल में पटना का नव निर्माण किसने करवाया था? हमारे शेर भाई ने। सहसराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? हसन खान सूर के लिए, शेर शाह सूरी के लिए, इस्लाम शाह के लिए, ठीक है। इस्लाम शाह कौन है? शेर शाह सूरी का लड़का, ठीक है। तो सासाराम में सबका मकबरा है। शेर शाह के मकबरे से संबंध क्या सही है? यह झील के मध्य में स्थित है, सही बात है। यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है, यह भी सही बात है। इसकी छत पर भव्य गुंबद के रूप में है, बहुत सही बात है। और एक और यहाँ पे लिख लीजिए कि बहुत इंट्रिकेट कार्विंग है, बहुत अच्छा से वहाँ पर नक्काशी किया गया है, ठीक है। ये पूरा तालाब के बीच में है, जाने के लिए एक ऐसा सीढ़ी बना हुआ है, मतलब रैंप बना हुआ, पुल टाइप का, और बहुत ही भव्य सुंदर गुंबद है और एक प्लेटफॉर्म पे ये पूरा बना हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही विशाल और बहुत ही भव्य लगता है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? शेर शाह ने बनाया था, बीपीएससी में आया हुआ है। सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख वड़न जो है वो किस अफगान शासक के समकालीन थे? ठीक है, तो वो शेर शाह के टाइम पे थे और इस्लाम शाह उनके लड़के के टाइम पे थे। अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा है इस्लाम शाह का मकबरा, ठीक है। इस्लाम शाह के बाद फिर वहां पे किसी का मकबरा नहीं बना। शेर शाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें थी? ये इंपॉर्टेंट है,
सात, शेरशाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय किया गया था? 5 लाख रुपया उस टाइम पे खर्च किया गया था। तो याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, अभी के हिसाब से बहुत कम रकम है, 5 लाख में तो एक ऑल्टो नहीं आती है, लेकिन शेर खान 5 लाख में जो है पटना किला और नगर को बनाने में खर्च करता है। और शेरशाह के दिन बिहार में कितनी सरकारें थी? तो 7, यानी बिहार में 7 प्रमंडल था, ठीक है, बिहार राज्य हुआ और बिहार राज्य को शेर खान ने 7 भागों में बांटा हुआ था, ठीक है। और आज के डेट में अगर आप देखिए तो 38 डिस्ट्रिक्ट है और प्रमंडल कितना है ये आप बताएंगे कमेंट में। दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खान के द्वारा परास्त किया गया, किसने किया था? ठीक है, तो बहार खान ने किया था। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया था? शेरशाह सूरी ने। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा, इसको मत याद रखिए, इसको याद रखिए कि परगना, परगना को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के रूप में, प्रशासनिक इकाई के रूप में किसने डेवलप किया? शेरशाह सूरी ने किया था, ठीक है। और वैसे भी आप नाम देख रहे हो, बख्तियार खिलजी, इसको फुर्सत कहाँ था। इब्राहिम खान नाम आपने ज़्यादा फेमस है, नहीं सुना है। अकबर के टाइम पर भी परगना था लेकिन अकबर से पहले शेरशाह सूरी थे, शेरशाह सूरी के बाद हुमायूं हुए और हुमायूं के बाद अकबर हुए, तो अकबर बाद में आए। तो शेरशाह सूरी ने बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया था जिसमें कि एक था ये परगना के रूप में एस्टैब्लिश करना। अब आते हैं मुगल कालीन बिहार में, मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त किया था? मखदूम आलम को घाघरा के युद्ध में, ठीक है। घाघरा कहाँ है? साउथ बिहार में, जो कि अभी अब झारखंड में है, ठीक है। तो मखदूम आलम को हराया था उन्होंने, और मखदूम आलम को हराने के लिए शेरशाह सूरी का भी शायद हेल्प लिया था उन्होंने। अकबर ने अगस्त 1574 में पटना में किसे पराजित किया था? ये याद रखिएगा, दाऊद खान को, ठीक है। अकबर ने दाऊद खान को हराया था। अकबर ने पटना के युद्ध के बाद बिहार में किसे दाऊद खान से निपटने के लिए छोड़कर वो वापस फिर दिल्ली चला जाता है? मुनीम खान को, ठीक है। तो मुनीम खान को, दाऊद खान को अकबर हराता है और मुनीम खान को यहाँ छोड़ देता है कि दाऊद खान को देख लो भाई क्या करना है। बिहार का सूबेदार किसे बनाया जाता है? तो ऑब्वियस बात है कि जब दाऊद खान को हराया और मुनीम खान को छोड़ा तो मुनीम खान ही होगा, ठीक है। और इसके साथ ही बिहार जो है मुगल टेरिटरी बन जाता है पहली बार, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, 1580 ईस्वी में ये चीज़ हुआ था। कब हुआ था? 1580 में मुगल टेरिटरी बन जाता है बिहार, कब? जब मुनीम खान यहाँ का सर्वेसर्वा बनता है। किस मुगल शासक के समय बिहार पठानों एवं मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र बना हुआ था? अकबर के टाइम पे अकबर, और ये जो दाऊद खान था वो पठान था। अकबर के समय में कहाँ के उज्जैनी राजा दलपत शाही ने विद्रोह किया था? दलपत शाही अभी किससे जुड़ा हुआ था? उज्जैनी राजपूत, और उज्जैनी राजपूत कहाँ से थे? जगदीशपुर के थे, ठीक है। दलपत शाही अकबर के टाइम पे थे, ठीक है। तो अकबर और दलपत शाही ये कंटेम्प्रेरी हैं। उज्जैनी राजपूत, उज्जैनी राजपूत के बारे में 3-4 फैक्ट, मालवा से डिसेंडेंट है, मालवा के परमार से। उज्जैनी राजपूत जब बिहार आते हैं तो चेरो वंश को ख़त्म करते हैं, वहाँ से हटाते हैं। चेरो वंश कहाँ चला जाता है? झारखंड चला जाता है, और वहाँ पर उज्जैनी राजपूत इस्टेब्लिश हो जाते हैं शाहबाद के रीजन में। कौन थे पहले रूलर? संतन सिंह, ठीक है। और आखिरी मोस्ट फेमस हमारे बाबू श्री कुंवर सिंह। चलिए, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाले मुगल शासक का नाम क्या था? अकबर, अकबर ने मिलाया था, ठीक है। हुमायूं नहीं, क्योंकि हुमायूं जब तक शेरशाह सूरी रहे तो हुमायूं को तो नकेल करके रखा था इन्होंने। और उसके बाद हुमायूं जो है किसको हराता है? दाऊद खान को, दाऊद खान को हराता है और मुनीम खान को बिहार का गवर्नर एक तरह से बनाता है और मुगल रूल इस्टेब्लिश हो जाता है बिहार में। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा कब मिला? 1580 में, अभी ऊपर देखा हमने। मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किसने किया था? बाबर ने किया था, ठीक है। किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? बंगाल के सुल्तान से मनेर में भेंट किया था कौन? हुमायूं। मनेर कितना इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं। पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? अकबर ने, ठीक है, पटना पे जीता। किसको हराया था? दाऊद खान को, दाऊद खान के बाद मुनीम खान। किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? किस मुगल राजकुमार ने? भाई साहब, शाहजहां ने जब विद्रोह किया था जहांगीर से तो पटना ही आके रुके थे। 1582 में अकबर के समय बिहार में कितनी सरकारें थी, कितने प्रमंडल थे? अब बताइए, 7। शेरशाह सूरी के टाइम पे भी 7 प्रमंडल था और अकबर के टाइम पे भी 7 प्रमंडल था। प्रमंडल सूबा सरकार परगना, ठीक है। तो सूबा, पूरा बिहार सूबा हो गया, बिहार के अंदर 7 सरकार बना हुआ है और सरकार के अंदर परगना बना हुआ है। तो सरकार और परगना दोनों सिस्टम आप कह सकते हो कि शेरशाह सूरी ने शुरू किया था, जिसे कि अकबर ने कंटिन्यू किया।
अकबरकालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध सूबेदार कौन था? राजा मान सिंह। इनके नवरत्नों में एक थे राजा मान सिंह, और राजा मान सिंह जो है कच्छावा राजपूत थे, आमेर डायनेस्टी से आप कह सकते हो, जो जयपुर में आमेर फोर्ट है वहाँ से, ठीक है। रानी जोधा भाई और जोधा अकबर अगर आपने देखा होगा तो इनको आपने देखा होगा, राजा मान सिंह को। बहुत ही खतरनाक लड़ाका थे, लड़ाई हारते नहीं थे, बहुत सारी लड़ाइयाँ इन्होंने जीती थी, ठीक है। और अकबर के एक तरह से आप कह सकते हो कि आँख के तारे थे, और बिहार और बंगाल का गवर्नर भी इनको फिर बनाया जाता है, और ये सबसे फेमस बन के निकल के आते हैं। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? राजा मानसिंह ने। रोहतास को क्यों बनाया था? अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, पहाड़ी पे है, रोहतास फोर्ट है, इस पे कब्जा, तो आसपास का एरिया पे कब्जा। किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे? अकबर के टाइम पे। कौन कर रहा था? अफगानी लोग, पठान लोग कर रहे थे। बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी इमारत कौन है? हाजीपुर की जामा मस्जिद, मुगल काल के टाइम पे हाजीपुर का जामा मस्जिद। और हाजीपुर को इस्टैब्लिश कौन किया था? जिसके नाम में हाजी था। राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय किया गया था? अजीमाबाद पटना को बोलते हैं, ठीक है। अजीम जो है वो औरंगजेब का लड़का था, अजीमाबाद पटना को बोला जाता है। पटना का नाम मुगल के टाइम पर अजीमाबाद इसके नाम पर रख दिया गया था, ठीक है। कितना खर्च किया था? 1 करोड़ रुपया। 5 लाख रुपया खर्च किया था कौन? शेरशाह सूरी ने। और 1 करोड़ खर्च किया कौन? अजीम ने। भाई साहब रौला था, इसके पास पैसा था, खर्च किया। बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल कब था? 1702 से 1712, ठीक है। बिहार में कितना प्रमंडल था? देखिए औरंगजेब के टाइम पे 1 बढ़ गया, शेरशाह सूरी के टाइम पे 7 था, अकबर के टाइम पे भी 7 था, और औरंगजेब के टाइम पे 8 हो गया, 1 प्रमंडल बढ़ गया है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ भी क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट बढ़ता है ना। लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट बिहार का कौन है बताइए? यहाँ मैप पे मैंने दिखा दिया है, ठीक है, गया है, जहानाबाद है। अब आप तीसरा बता दीजिए कमेंट में। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, कि भाई आसानी से सब काम किया जा सके, तो एक बढ़ गया औरंगजेब के टाइम पे 8 पढ़ देना, 246। किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश यानी छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुई? जहांगीर के टाइम पे खोखरा देश बोला जाता था छोटा नागपुर को, ठीक है। चलिए ठीक है, ये सिख गुरुओं ने, सिख गुरुओं में किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा भाई? तो गुरु नानक देव का रहा, हाँ रहा। गुरु तेग बहादुर का रहा, हाँ रहा। गुरु गोविंद सिंह का रहा, गुरु अर्जुन देव का बिहार से नहीं था, ये दिल्ली वाले एरिया में ज़्यादा एक्टिव थे। गुरु गोविंद सिंह का तो जन्म ही यहाँ पे हुआ था, ठीक है। किस मुगल सम्राट के गुरु नानक देव तो पैदल चल चल के बिहार पहुंचे थे। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया? बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण खत्म हो गया पूरी तरह से फर्रुख सियार के टाइम पे। अब फर्रुख सियार के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? रॉयल फरमान इसी ने इशू किया था ना, गोल्डन फरमान, किसको? अंग्रेजों को दिया था फर्रुख सियार ने, ठीक है। जब वो अंग्रेज, जब मुगल का डिक्लाइन हो रहा था और अंग्रेज जब असेंड कर रहे थे, अंग्रेज ताकत में आ रहे थे, तो उस समय फर्रुख सियार रूलर था। इसी समय सईद ब्रदर्स भी था, ठीक है, जिसने इसको राजा बनवाया था। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासन के समय में बिहार आया था? जहांगीर के टाइम पे, ठीक है। याद रख सकते हैं तो रखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासन काल में आया था? अब्दुल लतीफ अकबर के टाइम पे आया था। राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया गया था अकबर के टाइम पे, ये भी कोई बोलने वाली बात है। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? किसको नियुक्त किया था? राजकुमार परवेज को, इसको छोड़ दीजिए। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? औरंगजेब ने, ठीक है। और ये फिर 1 करोड़ रुपया खर्च करके पटना को अजीमाबाद बना देता है, तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पटना को अजीमाबाद नाम दिया था किसने? राजकुमार अजीम ने। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, ये अगर आप बता दें, फर्रुख सियार, ठीक है। तो शाहजहां जो है वो रिवोल्ट करने के बाद बिहार आता है, पटना आता है, और फर्रुख सियार जो है ये अपना राज्याभिषेक बिहार से कराता है, और अकबर जो है पटना के युद्ध में दाऊद खान को हराता है और मुनीम खान को उसके जगह बिहार का गवर्नर बनाता है 1580 में, और इसके बाद बिहार में मुगलों का रूल शुरू हो जाता है। और बिहार के सबसे फेमस जो गवर्नर हुए वह हुए हमारे प्रिय राजा मान सिंह जी। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक बिहार में हुआ? फर्रुख सियार में। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? बहादुर शाह वन। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? बहादुर शाह वन, ठीक है।
मुगल प्रांत जब बना तो बिहार का गवर्नर कौन बना था? मिर्जा अजीज कोका। ठीक है, मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना कौन? मिर्जा अजीज कोका। कौन था? अकबर का मुंहबोला भाई था। ठीक है, कोका का मतलब होता है फोस्टर ब्रदर, मतलब वो जैसे कि एक ही लेडी जो है दोनों का ध्यान रख रही है, तो वो फोस्टर ब्रदर हो गया। ठीक है, तो मिर्जा अजीज कोका, यहाँ कोकलतास लिखा हुआ है, कोका भी लिख सकते हैं। अजीज की मदर जो थी वो अकबर की वेट नर्स थी। वेट नर्स का मतलब क्या है? अकबर को दूध पिलाती थी, तो दोनों दूध वाले भाई हो गए। ठीक है, तो वहां से हो गए फोस्टर ब्रदर, तो इसलिए कोका बोला जाता है, तो मिर्जा अजीज कोका। ठीक है, अकबर जो है मिर्जा अजीज कोका को लेके बहुत लीनियंट रहते थे। अगर वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर भी देता था कुछ रूल में, तो उसको ज़्यादा दंड नहीं देते थे, अदरवाइज अकबर जो है बड़ा स्ट्रिक्ट रहता था। अपने बहनोई अदम सिंह को छत से 2 बार ऊपर से नीचे फेंकवाया था। मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा, तो मुगल प्रांत जब बना तो मिर्जा अजीज कोका को भेजा गया। मुनीम खान जो है वो गवर्नर नहीं बने थे, दाऊद खान को हराने और उससे निपटने के लिए मुनीम खान को छोड़ा गया, और जब बिहार का गवर्नर बनाना था तो मिर्जा अजीज कोका को बनाया गया। मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा कौन? सब सईद खान, मुकर्रब खान, छोड़ दीजिए इसको। बिहार में किस, इसको भी छोड़ दीजिए। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? एशिया से होता था, यूरोप से होता था, अफ्रीका से होता था। तो मुगल के टाइम पे ट्रेड जो है हर जगह से होता था। तो मेंस में जब लिखना हो ना कि इंडिया का ट्रेड बाहर बाहर विदेशों विदेशों तक फैला हुआ था, तो उस समय आप ये लिख सकते हैं कि मुगल के टाइम पे हम अफ्रीका से भी ट्रेड कर रहे थे, यूरोप से भी ट्रेड कर रहे थे, और एशिया में तो ट्रेड हमारा था ही। आप चाहे चाइना से कर लो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया से कर लो, लैंड से जो जो रूट जुड़ा हुआ था सबसे कर रहे थे, और इवन कि हम नेवी थोड़ा कमज़ोर था लेकिन वाटर रूट से भी ट्रेड कर रहे थे। तो ट्रेड के वजह से जो है ये इतना रूल हमारा या इतना डायनेस्टी जो है इतना बड़ा हो पाया। जस्ट अ सेकेंड, बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है भाई? तो मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा है। ठीक है, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किसने बनवाया था? इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था, जिसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार का प्रांतपति बनाया गया था। तो जहांगीर के टाइम पे इब्राहिम खां काकर था, वो शाह दौलत का मकबरा बनाता है। कहाँ बनाता है? मनेर में। इसलिए मैंने आपको बोला बार बार, जब नहीं कुछ समझ में आए और ऑप्शन में मनेर हो और आपको अगर आंसर टिक करना ही है, गो विथ मनेर। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा इब्राहिम खां काकर लाल पत्थर से बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन से। इसी से रेड फोर्ट बना हुआ है, इसी से आगरा फोर्ट बना हुआ है, इसी का यूज हुआ है उधर बुलंद दरवाज़ा बनाने के लिए फतेहपुर सीकरी का, इसी का यूज़ किया गया है शेरशाह सूरी ने पुराना किला बनाने में किया था। ठीक है, इसी का यूज़ किया गया गियासुद्दीन तुगलक जब अपना किला बना रहा था, जिसको बोला गया था कि या रहे उज्जर या बसे गुज्जर। तो सब लाल पत्थर से बना था, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोन, बहुत खूबसूरत स्टोन है। ठीक है, तो शाह दौलत का मकबरा इब्राहिम खां काकर जहांगीर के टाइम पर लाल पत्थर से बनवाता है। किस टाइम पर? 1617 के आसपास। मिथिला का राज्य महेश ठाकुर, मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज्य दे दिया था? ये इंपॉर्टेंट है, महेश ठाकुर को। ठीक है, महेश ठाकुर को याद रखिएगा, अकबर ने मिथिला का राज्य उसकी विद्वता से प्रभावित होकर दे दिया महेश ठाकुर को। तो ये जो है ना एनलाइटेड रूलर का एक निशानी होता है। ठीक है, कि भाई आप इंटेलेक्ट को पहचानते हो, भाई इतना विद्वान आदमी है इसको राज्य दो यार, ये गरीबी में कैसे जिएगा, राज्य दो और ये अपना बदले में क्या देगा? इंटेलिजेंस देगा आपको। ठीक है, और तब आप सम्राट बन पाएंगे। ठीक है, शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था कौन था भाई? शाइस्ता खां, ये याद रखिएगा। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, कब मिलाया था? 1576 में। आप 1576 और 1580 में डिस्प्यूट है, तो 1576 रहे तो 76 मानना, नहीं तो 1580 मानना है। ठीक है, मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? ये यार थोड़ा डिस्प्यूटेड है, इसको रहने देते हैं। बिहार में शासन करने वाले प्रथम मुगल शाहजादा कौन थे? प्रथम मुगल शाहजादा शाहजादा परवेज, परवेज यानी कि जहांगीर। ठीक है, चलिए यहाँ से अब इस सवाल पे आते हैं। बिहार के किस गवर्नर को अंग्रेजों से, किस गवर्नर का अंग्रेजों के साथ बड़ा अच्छा संबंध था? मुकर्रब खान का। मुकर्रब खान जहांगीर के समय बिहार का सूबेदार था, जहांगीर के समय और कौन था? इब्राहिम खान
काकर, उसने क्या किया था, मनेर में लाल पत्थर से मस्जिद बनवाया था। ठीक है, जहांगीर के टाइम पे ही मुकर्रब खान था, मुकर्रब खान का क्या है, अंग्रेजों के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन है। पटना में संगिया पत्थर का मस्जिद जो है उसका निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था, अकबर ने करवाया था। संगिया पत्थर की मस्जिद, पत्थर की मस्जिद आपको अनिसाबाद पटना में है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्किटेक्चर ऑफ पटना आप कह सकते हो, तो अकबर ने बनाया था। सॉरी ये गलत बोल दिया गया, जहांगीर है, इसको भी मैं चेक करके फिर अपडेट करता हूँ। आंसर में ए दिया हुआ है बट एक्सप्लेनेशन में जहांगीर के बारे में लिखा हुआ है और ये जहांगीर ही इसका आंसर होगा। 1621 में बनवाया गया, अकबर ने नहीं बनवाया था। ठीक है, मुगल शासक बनने के बाद किसे शाहजहां ने बिहार का सूबेदार बनाया था, खान आजम, छोड़ दीजिए इसको। पीटर मुंडी बिहार के किस मुगल सूबेदार के शासन की बड़ी तारीफ की है, पीटर मुंडी किसका तारीफ करता है भाई, तो पीटर मुंडी तारीफ करेगा देख लीजिए मिर्जा सैफ खान का। शाहजहां के समय बिहार का सूबेदार नहीं था, ये सब छोड़ दीजिए। चलिए इधर आते हैं, ये है हमारा बिहार के किस मुगल सूबेदार ने पलामू विजय किया था, कौन सा मुगल सूबेदार था जिसने पलामू को विजय किया था। ठीक है, तो दाऊद खान कुरैशी, और इसी के नाम पे दाऊद नगर है, औरंगाबाद में दाऊद नगर है। ठीक है, तो इसी के नाम पे रखा गया दाऊद खान कुरैशी। ठीक है, और दाऊद से याद रखिएगा, दाऊद नामा एक किताब भी है जिसमें कि आपको किसके बारे में मिलेगा, शेरशाह सूरी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मुर्शीद कुली खान बिहार का दीवान कब बनाया गया था, 1703 में। तो मुर्शीद कुली खान के बारे में हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से देखिए आप मुर्शीद कुली खान, फिर आपको आ जाएगा अली वर्दी खान, फिर अली वर्दी के खान के बाद आ जाएगा सिराजुद्दौला, फिर मीर जाफर, फिर मीर कासिम मीरान, है ना, और ये फिर धीरे धीरे यहाँ से अंग्रेज के पास चला जाएगा। तो मुर्शीद कुली खान जो है बिहार का उसको दीवान बनाया गया था, और इसी के बाद फिर अली वर्दी खान वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग मोस्ट एबलेस्ट नवाब ऑफ बिहार जो है वो मुर्शीद कुली खान को, उनके बाद ये अपना रूल इस्टेब्लिश करते हैं बंगाल पे। ठीक है, और इनका बेटा या नाती था सिराजुद्दौला। ठीक है, चलिए, तो मुर्शीद कुली खान 1703 में बिहार का दीवान बनाया जाता है। 1707 में क्या हुआ था, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है कि जब तक औरंगजेब रहा तब तक अंग्रेजों ने कोशिश की लेकिन कभी इंडिया को अपने अधीन नहीं कर पाया, बंगाल को अपने अधीन नहीं कर पाया। लेकिन औरंगजेब का जैसे ही मौत होता है तो मौत के बाद क्या होगा, वॉर ऑफ सक्सेशन होगा। वॉर ऑफ सक्सेशन में अलग अलग खेमा बनेगा, तो हर इंटरेस्ट ग्रुप जो है अलग अलग खेमा को अपने हिसाब से पकड़ लेगा। कोई एक खेमा जो है वो राजा बन जाएगा, तो फर्रुख सियार जैसे राजा बन रहा है तो फर्रुख सियार फिर कमज़ोर हो जाएगा। जब कमज़ोर होगा तो उसका जो गवर्नर है वो उसके खिलाफ रिवोल्ट करेगा, बोलेगा कि अब हम इंडिपेंडेंट रूल करेंगे, तो वो इंडिपेंडेंट रूल चलाएगा। फिर जैसे ही मौका मिलेगा तो इसके नीचे वाला इस पर अटैक करेगा और इसको हटा के खुद रूलर बन जाएगा। तो ये हिसाब किताब है। तो 1707 में औरंगजेब के मृत्यु के बाद ये पूरा चेन ऑफ रिएक्शन शुरू होता है। भोजपुर के उज्जैनी विद्रोह, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। अकबर के समय में बिहार में 7 सरकार थी, ठीक है, और शेरशाह सूरी के टाइम पे भी था और औरंगजेब ने प्लस 1 कर दिया था। इसके नाम का सही समूह है ये देख लीजिए, बिहार, मुंगेर, तिरहुत, रोहतास, हाजीपुर, सारण, चंपारण। ठीक है, अगर बिहार के मैप पे इसको देखा जाए, चलिए मैप बना लेते हैं बिहार का। ठीक है, ये बिहार का मैप मान लीजिए, ये बिहार का मैप हमने बनाया। ठीक है, बीच से गंगा नदी जा रही है यहाँ से। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि इसको लोकेट करते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये एरिया था। तो बिहार है, मुंगेर, मुंगेर वाला रीजन ये हो गया। ठीक है, तिरहुत रीजन ऊपर में हो गया, रोहतास रीजन नीचे हो गया, ये हाजीपुर वाले रीजन हो गया। सारण का अगर बात करते हैं तो छपरा सारण वाला एरिया ये हो जाएगा। चंपारण का बात करें तो ये चंपारण वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और बिहार, बिहार कहाँ पे लोकेट करना है ये तो मुझे भी आइडिया नहीं है, तो अगर किसी को पता हो तो आप कमेंट में करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको डिलीट किया जाए। ठीक है, चलिए, कश्मीर घाटी का अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक,
जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था दफन है। कहाँ दफन होगा भाई? नालंदा में। आपको बोले ना बिहार शरीफ नालंदा, जहाँ भी कब्र कब आता है तो बिहार शरीफ नालंदा, मनेर जहाँ ऑप्शन में हो उसको देख लेना है। 65th बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। जहाँ कहीं ऑप्शन में आपको मनेर मिले, आपको नहीं पता है और आपको अगर टिक करना है, गेस वर्क करना है, गो विथ मनेर। ठीक है, किसी का कब्र का बात हो तो बिहार शरीफ नालंदा, वहाँ पर कब्र आपको मिल जाएगा, खासकर मुस्लिम रूलर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे याद क्या रखना है, कश्मीर का अंतिम रूलर कौन था? मुस्लिम यूसुफ शाह चक था। उसका कब्र जो है उसको बिहार में निर्वासित किसने किया? अकबर ने बोला कि चलो भाई बिहार में जाकर रहो, और बिहार में फिर वो मरता है। जब मर जाता है तो कहाँ उसका कब्र है? नालंदा में। ठीक है, चलिए बंगाल के नवाब और बिहार की कहानी। आधुनिक बिहार यहां से शुरू हो जाता है, मॉडर्न बिहार, मॉडर्न बिहार। ठीक, अली वर्दी खां को बिहार में कार्यकाल 1734 से 1740 है। देखिए कैसे याद रहेगा, 1757 प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध को कौन लड़ा था? सिराजुद्दौला ने लड़ा था। सिराजुद्दौला किसके घर का आदमी था? अली वर्दी खां के घर का आदमी था, यानी अली वर्दी खां का शायद पोता या नाती था, बेटा तो नहीं था। ठीक है, ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो अली वर्दी खां का रूल कब रहेगा? 1757 से पहले ही रहेगा। तो देखिए 1734 से 1740 दिया हुआ है। ठीक है, 1734 से 1740 था। उसके बाद फिर कुछ समय इंडिपेंडेंट रूल किया, उसका जब इसकी मृत्यु होती है तो सिराजुद्दौला जो है वो नवाब बनता है। अली वर्दी खान ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया था कब? 1740 में। देखिए 1734 से 40 साल तक, 6 साल तक पहले एक गवर्नर टाइप का यहाँ पर रूल करता है, उसके बाद फिर इंडिपेंडेंट हो जाता है, गद्दी पर कब्जा कर लेता है 1740 में। बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर किया था? ये भी पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मीर कासिम ने किया था। क्यों किया था? अंग्रेजों के डर से किया था, अंग्रेज बहुत इंटरफेयर करते थे इसके कामकाज में, तो राजधानी को शिफ्ट कर दिया। और साथ ही साथ क्या किया था? अपना आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए मुंगेर में आर्म्स फैक्ट्री लगाया था, जो आज तक है। ठीक है, तभी अब आपको मुंगेर में आपको देसी कट्टा और देसी AK-47 भी मिल जाएगा। 1748 में बिहार के किस उपनवाब की हत्या की गई थी? हैबत जंग की हत्या हुई थी, हैबत जंग की हत्या की गई। 1748 में अली वर्दी खान ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया था? अफगानों को। निम्नांकित में से कौन बिहार का प्रथम नायब नजीम था? राजा राम नारायण। ठीक है, तो नायब नजीम राजा राम नारायण, राजा राम नारायण, राजा सिताब, ठीक है, दौलत राम, ये सब चार पांच नाम मिलेंगे। ये जब भी मिले तो आप समझिए कि ये अंग्रेजों के तरफ से थे। ठीक है, तो वहां से आपको मतलब कि एक गेस्टवर्क करने के लिए कि ये पांच छह नाम हैं, वो धीरे धीरे आगे आते जाएंगे, वो बेसिकली अपना फायदा देखते थे और अंग्रेजों का साथ देते थे। अली वर्दी खां ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? किस युद्ध में पराजित किया था? पटना के युद्ध में अफगानों को। बिहार में कहां अली वर्दी खां ने मराठों को पराजित किया था? फतुहा के समीप। ठीक है, मराठों को अली वर्दी खां ने कहां पे पराजित किया था? फतुहा के पास में। फतुहा कहां पे है? तो अगर आप बिहार का मैप ऐसे देखें, मान लीजिए ये पटना है, तो पटना से सबर्ब वाला एरिया है फतुहा। ठीक है, गंगा और पुनपुन नदी के मिलन स्थल पे है फतुहा। तो ये भी ज्योग्राफी में सवाल आएगा कि पुनपुन नदी जो है वो गंगा नदी से कहाँ पे मिलती है, तो फतुहा के पास मिलती है। उसी फतुहा के पास मराठों को अली वर्दी खां ने पराजित किया था। बिहार के किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? जैनुद्दीन हैबत जंग का हत्या कर दिया गया था। अली गौहर का बिहार ये छोड़ दीजिए। अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर बनाया गया था? ठीक है, तो 1733 में बनाया गया था, CDPO का आया हुआ क्वेश्चन है। अली वर्दी खां देखिए पहले 1733 से 1740 तक गवर्नर रहते हैं, 1740 में इंडिपेंडेंट रूल इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, और ये खत्म होता है 1757 में सिराजुद्दौला के मृत्यु के बाद, उसकी हत्या के बाद। प्लासी का युद्ध के समय बिहार का गवर्नर कौन था? आयरकूट। ठीक है, बैटल ऑफ बैंडीवास अगर आप देखें, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में 1760 में लड़ा गया था। ठीक है, तो ये आयरकूट नहीं लड़ा था, रिकैप्चर कलकत्ता फ्रॉम सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो है वो कलकत्ता कैप्चर कर लेता है और वहाँ से ब्रिटिशर्स को भगा देता है, एक किला में कैद कर देता है। उसमें लगभग 150-200 अंग्रेज जो है वो मर भी जाते हैं। इसको बोला जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक है, सिराजुद्दौला के नाम से जुड़ा हुआ है। तो आयरकूट जो है वो सिराजुद्दौला को फिर हराने के लिए वापस आता है और कलकत्ता फोर्ट को पहले तो वो कैप्चर करता है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्लाइव का हिसाब किताब यहाँ पे चलता है। क्लाइव और कूट जो है वो
रॉबर्ट क्लाइव इसके बाद आता है, तो चलिए ये हम आगे देख लेंगे। और आयरकूट को इसीलिए कूट बहादुर भी बोला जाता है, कूट बहादुर बिहार का गवर्नर था प्लासी युद्ध के टाइम पे, ठीक है। और क्लाइव जो है वो मद्रास वाला एरिया से बहुत सारा लड़ाई वड़ाई जीत के, ये मात्र एक कलर्क था रॉबर्ट क्लाइव, और वो आता है और यहाँ पे सबको, जगत सेठ को, सिताब नारायण को, और जो भी मीर जाफर को, मीर कासिम को, मीरान को, सबको अपने तरफ मिला लेता है। और प्लासी के युद्ध में धोखे से सिराजुद्दौला की को हराया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। बिहार में डेन व्यापारियों ने कहाँ व्यापारी कोठी खोली थी, पटना सिटी में, नेपाली कोठी बोला जाता है इसको, ठीक है। बिहार में पटना के माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने कब की थी, 1734 में, ठीक है। तो डेनिस बहुत पहले आए थे, फ्रांसीसी बहुत लेट से आए थे। देखिए फ्रांसीसी 1732 में आए हैं और डेनिस जो है पुर्तगुज के बाद, पोर्तुगीज के बाद डेनिस आए थे 1632 में, ठीक है। तो पहले पोर्तुगीज आए हैं, फिर डेनिस आए हैं, फिर ब्रिटिश आया, फिर फ्रेंच आया, फिर डेन्स आया है, ठीक है। पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच, डेन्स, ठीक है। डेन्स ने कहाँ पे कोठी खोली, पटना सिटी, नेपाली कोठी में, ठीक है। बिहार से यूरोपीय कंपनी क्या व्यापार प्राप्त करते थे, तो सब अनाज भी ले जाते थे, सोरा भी ले जाते थे, वस्त्र भी ले जाते थे, ठीक है। सोरा क्या होता था, साल्ट पीटर, ठीक है, ये गन पाउडर बनाने में काम आता था। अंग्रेज की बिहार के साथ व्यापार में मुख्यतः आयात सामग्री क्या थी, अनाज, सोरा, अफीम, अफीम भी था, ठीक है। अफीम का खेती तो होता ही था, अभी भी मतलब आप देखो पूर्वांचल वाला एरिया जहाँ वहाँ पर अफीम का खेती होता है। किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में भीषण अकाल की चर्चा की थी, बताइए, जॉन मार्शल ने की थी। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासन के समय बिहार आया था, ये पहले भी हम देख चुके हैं, शाहजहां के टाइम पे आया था, पीटर मुंडी शाहजहां के टाइम पे आया था, ठीक है। यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः क्या था, मुख्यतः क्या था भाई बताइए, उत्पादन केंद्र था क्या, नहीं था, कोई प्रोडक्शन का काम नहीं होता था, नाम भले फैक्ट्री है लेकिन कुछ प्रोड्यूस नहीं किया जाता था, वहां पे सिर्फ स्टोर किया जाता था, रखा जाता था, भंडारण किया जाता था। वहां पे इसके क्लर्क, वहां पे इसके एडमिनिस्ट्रेटर रहते थे और वो देखते थे कि व्यापार को कैसे रेगुलेट करना है, व्यापारिक केंद्र था इनका, उत्पादन का काम नहीं होता था, ठीक है। अंग्रेज ने पटना में अपनी फैक्ट्री कहाँ पे लगाई थी और किसके टाइम पे लगाई थी, तो शाहजहां के टाइम पे लगाया था। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आया था, सर्वप्रथम पोर्तुगीज या पुर्तगाली आए थे, और डेन्स सबसे लास्ट में आया था, सबसे पहले पोर्तुगीज आए थे, पोर्तुगीज के बाद कौन आया था, डच आया था, डच के बाद ब्रिटिश आया, ब्रिटिश के बाद फ्रेंच आया, फ्रेंच के बाद डेन्स आया, ठीक है। डेन्स नेपाली कोठी में लगाया था, PDBFD, यही ऑर्डर है शायद, PDBFD, वेरी गुड, ठीक है। अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र की स्थापना की थी, आलमगंज पटना में, आलमगंज पटना सिटी इस एरिया को बोला जाता है। अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम आलमगंज पटना सिटी में स्थापित किया था, ठीक है। मुंगेर, मेहरौना, पूर्णिया, ये थोड़े होगा यार, पटना में ही तो इस्टैब्लिश करेगा सब आके, पटना में अलग अलग एरिया में इस्टैब्लिश करेगा, ठीक है। कोई नेपाली कोठी में करेगा, कोई आलमगंज में करेगा, कोई गुलजारबाग में करेगा, कोई फतवा में करेगा, ठीक है। लेकिन वास्तविक सफलता 1650 ईस्वी में मिलता है, 1620 से फोर्ट मार रहा है कि भाई हम यहाँ इस्टैब्लिश हो जाए, लेकिन वास्तविक सफलता 1651-1650 में मिलता है। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारनॉक, ठीक है, कब बना था 1664 में, देखिए 1651 में सफलता मिलता है और जॉब चारनॉक जो है 1664 में ये बनता है। बिहार में डच, हॉलैंड या नीदरलैंड वाले जो लोग थे, फैक्ट्री की स्थापना कब करते हैं, डच फैक्ट्री की स्थापना कब होती है बताइए, 1632 ईस्वी में, तो अंग्रेजों से पहले किया, सबसे पहले पोर्तुगीज, फिर पोर्तुगीज के बाद कौन आया, डच आया, डच के बाद कौन आता है, अंग्रेज आता है, अंग्रेज के बाद आएगा फ्रांसीसी यानी फ्रेंच, और उसके बाद आएगा डेनिस, ठीक है। तो डच का इस्टैब्लिश हुआ था 1632 में, इसको रट लेना है, 1632 में डच ने इस्टैब्लिश किया था, ठीक है। जॉब चार्नॉक कौन था, अंग्रेजों वाला था, ठीक है। अंग्रेजों को सफलता 1651 में मिली थी। पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी, 1774 में डेनिश लोगों ने पटना सिटी में नेपाली कोठी में, पीछे हमने देखा, ठीक है, 1774, तो ये सब 1632-1774 ये याद रखना, ये पूछ देगा। यात्री, किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था, टैवर्नियर ने बताया था, ठीक है। पीटर मुंडी किसके टाइम पे आया था, शाहजहां के टाइम पे आया था, ठीक है। जॉन मार्शल कौन था, जॉन मार्शल के टाइम पे अकाल हुआ था, ठीक है। और टावर नियर क्या बताता है, पटना के बारे में, पटना के बारे में देखिए एक और ऐड हो गया, मेगास्थनीज, हुएनसांग, फाहियान, आयत सिंह,
फिर मिडिवियल के टाइम पे भी था, मिन्हाज उस सिराज हो गया, फिर आप देख लो जे टैवर्नियर हो गया, ठीक है, फिर एक मुल्ला तकिया था जिसने बोला था कि जैतूल हिंद यानी कि पैराडाइज ऑफ इंडिया। तो पटना के बारे में इतनी तारीफ इतने ट्रैवलर्स ने की है, मेंस में इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। टैवर्नियर क्या था, फ्रांसीसी था, डॉक्टर था, ठीक है, मुगल कोर्ट में वो डॉक्टर था, वहां जाके इलाज वगैरह करता था टैवर्नियर, ठीक है। किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया था, छोड़ दीजिए इसको, चलिए बस अब खत्म होने वाला है, पेशेंस के साथ आपने देखा ये बिहार का एंशियंट और मिडाइवल इस वीडियो में अब जाके खत्म होने वाला है, ठीक है। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी, वर्तमान गुलजारबाग स्थित गवर्नमेंट गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस जो है वो अंग्रेजों की फैक्ट्री थी, ठीक है। पटना कॉलेज जो है डच की फैक्ट्री थी और गुलजारबाग में जो गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है वो अंग्रेजों की फैक्ट्री थी, ठीक है। तो डच का फैक्ट्री कौन था, पटना कॉलेज, ठीक है, पटना कॉलेज और कलेक्टेरिएट वाला जो एरिया है, ठीक है, और गुलजारबाग में जो प्रिंटिंग प्रेस है वो अंग्रेजों का फैक्ट्री है। प्लासी का युद्ध में अंग्रेज और बिहार देख लीजिए, प्लासी का युद्ध 1757 में होता है, पीछे हमने डिटेल में देखा। बिहार का उप नवाब कौन था उस समय, मीर जाफर था, ठीक है। नवाब कौन था, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला को धोखा किसने दिया, मीर जाफर ने, और मीर जाफर का लड़का था मीरान, ठीक है। मीर जाफर को किसने ब्राइब किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने, क्लाइव कौन था, अंग्रेजों का क्लर्क था, मद्रास में अभी फ्रांसीसी से लड़ाई जीत के आया है और यहाँ पे सिराजुद्दौला को हराना है, तो मीर जाफर को ब्राइब करता है, दौलत राम को, मानिक चंद को, जो भी बड़ा बड़ा सेठ था कलकत्ता का, सबको ब्राइब करता है। और उसके बाद क्या होता है, मीर जाफर जो है अपना सेना लेके जाता ही नहीं है, ठीक है, तो सिराजुद्दौला के पास आर्मी ही नहीं रहता है। तो प्लासी बेसिकली क्या है, एक आम का बगीचा है बंगाल में, उसी आम के बगीचे में लड़ाई होती है जुलाई के महीने में, और सिराजुद्दौला बेसिकली बिना लड़े ही एक तरह से कह सकते हो कि आप धोखे के वजह से हार जाता है, और जब हार जाता है तो मीर जाफर का लड़का मीरान जो है सिराजुद्दौला का सर कलम कर देता है। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था, किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बताया था आपको, मीर कासिम ने बनाया था। अलीवर्दी खां कौन थे, सिराजुद्दौला के ग्रैंड फादर थे, नाना होंगे या दादा होंगे, ठीक है। तो इनका तो कहानी खत्म हो गया, अब यह आया मीर जाफर, मीर जाफर ने ब्राइब किया था, बता दिया आपको अभी, मीरान इसका लड़का था। मीर जाफर के बाद जो है, मीर जाफर जब अंग्रेजों को खूब पैसा नहीं दे पाया, सिराजुद्दौला को ख़त्म करने के बाद, देखिए एक सेकंड चेन बना देते हैं आपको फिर से, सिराजुद्दौला को मार दिया गया, ठीक है, उसके बाद बनाया गया मीर जाफर को नवाब बंगाल का, पहले ये उप नवाब था। मीर जाफर से खूब सारा पैसा वगैरह मांगा गया, देते गया देते गया, लेकिन एक टाइम के बाद यह हाथ खड़ा कर दिया। तो जब यह हाथ खड़ा कर देता है तो अंग्रेज बोलता है कि भाई तुमको इसलिए थोड़े बनाए थे, तुमको बनाए थे कि तुम खूब सारा पैसा दो। तो अंग्रेज फिर क्या करता है कि इसके दामाद को, मीर कासिम को, मीर कासिम मीर जाफर का दामाद है, इसको बनाता है बंगाल का नवाब। तो ये बंद हो जाता है, बनने का इससे भी पैसा मांगा जाता है, बहुत इंटरफेयर किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो मीर कासिम बोलता है कि रुको, पहले मुर्शिदाबाद से राजधानी ही शिफ्ट कर देते हैं, तो अंग्रेज के नजर से दूर हो जाएंगे। इसलिए मीर कासिम जो है मुंगेर अपना राजधानी लेके जाता है, यह है पूरी कहानी। और मुंगेर में फिर क्या करता है, गन फैक्ट्री भी स्टैब्लिश करता है ताकि अपने आर्मी को मॉडर्नाइज कर सके और बाद में अंग्रेजों से लड़ सके। लेकिन अंग्रेज जो है इसका प्लान पहले ही फेल कर देता है, और इसलिए फिर होता है बैटल ऑफ बक्सर, कब होता है 1764 में, और इसमें भी सब हारते हैं, और इसके बाद ही अंग्रेज का रूल जो है, इंग्लैंड का रूल जो है इंडिया पे पूरी तरह से इस्टैब्लिश हो जाता है। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था, रॉल्फ फिच अकबर के टाइम पे आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉल्फ फिच अकबर के टाइम पे आया था बिहार आने वाला पहला यात्री है, पीटर मुंडी शाहजहां के टाइम पे आता है। जॉन मार्शल क्या बताता है, फेमाइन के बारे में बताता है। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था, अली गौहर ने किया था। कुंवर सिंह पहला ऑप्शन दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं करना, अली गौहर ने किया था, ठीक है। अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था, 1760 में घेरा डाला था ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1764 में क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है। तो बक्सर के युद्ध के पहले अली गौहर ने पटना को घेर लिया था और अंग्रेजों का विरोध किया था, तो अली गौहर का नाम याद रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त कब होता है और कौन देता है, तो शाह आलम टू देता है। कब देता है, बैटल ऑफ
बक्सर 1764 के बाद देता है। शाह आलम टू कौन है? मुगल रूलर है, दिल्ली से रूल करता है, ठीक है। और बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट, दीवानी मतलब कि टैक्स वगैरह, रेवेन्यू वगैरह का जो भी राइट है वो अंग्रेज को दे दिया गया, ठीक है। और यहाँ से शुरू होता है डुअल रूल, दोहरा राज्य, दोहरा सरकार। दीवानी राज्य मिल गया अंग्रेज को और फौजदारी जो है वहाँ के नवाब पे थोप दिया गया। अब पैसा है नहीं नवाब के पास, लेकिन रूल करना है, ठीक है। सारा पैसा सारा माल जो है अंग्रेज लेके जा रहा है और रूल करना है नवाब को, तो नवाब ठीक से रूल कर नहीं पाएगा और इसका बुरा असर, इसका भयावह असर जो है वो बंगाल और बिहार की जनता को झेलना पड़ता है। और वो दिखता है फैमाइन में, वो दिखता है ड्रॉट में, भुखमरी में, लोग बीमारी से ग्रस्त हैं, मरते हैं, ठीक है। तो ये है पूरा कहानी। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया था बता चुके हैं आपको, मुझे नहीं लगता कि अब आप इस तरह के सवाल में कुछ भी गलत करने वाले हैं। बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना बनाया गया। किसने बनाया था? 1770 में वॉरेन हेस्टिंग ने बनाया था, 1764, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर, दीवानी राइट। और उसके 5-6 साल के बाद 1770 में क्या बनाया गया? रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना। रेवेन्यू पे बहुत ध्यान था, देखिए दीवानी राइट्स ले लिया, पहले पूरा एरिया का ले लिया, फिर रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना बना दिया गया, ठीक है। और किसने बनाया था? वॉरेन हेस्टिंग ने बनाया था और इसका अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर को बनाया था, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया? 1767 में, ठीक है। 1764 बैटल ऑफ बक्सर, 1767 धीरज नारायण को हटा दिया गया और सिताब राय को बना दिया गया और इन्हीं के नाम पे सिताब दियारा है नॉर्थ बिहार में, ये छपरा वाला एरिया में सिताब दियारा उसको बोला जाता है, जहाँ जन्म हुआ था किसका, ये आप बताइएगा कमेंट करके। देश के पहले कौन? राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद का, ठीक है। जयप्रकाश नारायण का भी जन्म वहीं पे हुआ था। पटना में गोलघर का निर्माण कराया गया था, क्यों किया गया था भाई? अनाज के भंडारण के लिए, ठीक है। किस गवर्नर जनरल के टाइम पे किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे किया गया था। तो दो चीज़ आपसे पूछेगा, एक रेवेन्यू काउंसिल किसके टाइम पे, तो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे, ठीक है। और पटना में गोलघर जो बनाया गया क्यों बनाया गया, अनाज के लिए, किसके टाइम पे बनाया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे। पहले हेस्टिंग आया था, फिर कॉर्नवालिस आया था, ठीक है, याद रहेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। गोलघर का निर्माण जॉर्ज गैस्टिन ने करवाया था। गैस्टिन क्या था? डिजाइनर था। कॉर्नवालिस क्या है? गवर्नर है भाई साहब, ठीक है। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? ग्रैंड, ग्रैंड, ठीक है, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड, पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट है भाई, बहुत ग्रैंड पोस्ट है। आप अगर पहले अपने इलाके के, अपने परिवार खानदान के, या अपने गांव के, अपने इलाके के पहले अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाते हैं तो कितना ग्रैंड बात होता है, तो उसी तरह से यहाँ भी ग्रैंड है, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड, ठीक है, पटना के अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। बिहार में सोने के व्यापार का एक अधिकार अंग्रेजों को किसने प्राप्त किया था, किसने दिया था? मीर जाफर ने दिया था। मीर जाफर बहुत बेवकूफ आदमी था। और ये क्या होता है, सोरा क्या होता है, अगर केमिस्ट्री में सवाल आ गया, साल्ट पीटर बोलते हैं, KNO3 गन पाउडर इससे बनाया जाता है, पीछे भी बता दिया आपको, ठीक है। चलिए ये दोनों क्वेश्चन छोड़ते हैं, अब इसके बाद आ जाते हैं, ये है हमारा आखिरी पन्ना। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, ठीक है। बक्सर बिहार के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। युद्ध में कौन कौन लड़ा था? मीर कासिम बंगाल का नवाब था, ये तो बताइए आपको, सुजाउद्दौला अवध का नवाब था, और शाह आलम द्वितीय जो है वो मुगल नवाब है, यही फिर जो है दीवानी राइट दे देता है किसका? बंगाल, उड़ीसा और बिहार का दीवानी राइट किसको दे देता है? अंग्रेज को देता है। कब? हारने के बाद, और ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद होता है, ठीक है। बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई, ये अब बताने की बात है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? सिताब राय को। सिताब राय को बनाया गया किसको हटा के? धीरज नारायण को हटा के सिताब राय को बनाया गया। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया गया था नायब मीर कासिम के द्वारा, ठीक है। 63 में पटना पर कब्जा कर लिया, 64 में बक्सर का युद्ध होता है। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? मात्र 26 लाख रुपए में, ठीक है। जो दीवानी राइट दे दिया गया, दीवानी राइट्स किसको गया?
गया तो कंपनी को, बट ऑफिशियली जो है वहाँ लंदन में जो बैठे हुए हैं वो जब पेपर पे लिख के देंगे तब ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार बंगाल और इसका सूबा पूरा ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाता है। तो ब्रिटेन का राजा जो है वो 26 लाख रुपया लेता है कंपनी से, बोलता है 26 लाख तुम पे करो और बदले में बिहार बंगाल और उड़ीसा ले जाओ ले जाओ ले जाओ, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। अंग्रेजों को 1765 में बिहार बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान था, किसका? नायब, काट दीजिए इसको। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार तक दीवानी प्रदान की थी, कब प्रदान की थी? 12 अगस्त 1765 को प्रदान किया था, ठीक है, बीपीएससी में पूछा गया है 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765। 1770 में बिहार में प्रांतीय, इसको रट लेना है, इसका कोई और दूसरा उपाय नहीं है, 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई थी जिसके अध्यक्ष थे जेम्स अलेक्जेंडर। प्रांतीय परिषद क्या? वही रेवेन्यू काउंसिल, किसने बनाया था? वॉरेन हास्टिंग गवर्नर जनरल था और इसका अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर को बनाया था, पीछे हमने डिस्कस किया। बिहार में धीरज नारायण, सीताब रॉय और सैमुअल मिडलटन का 3 सदस्यीय परिषद कब बनाया गया? 1766 में। धीरज नारायण थे, सीताब रॉय थे, सैमुअल मिडलटन थे। बाद में धीरज नारायण को हटा दिया जाता है और सीताब रॉय को डिप्टी गवर्नर बना दिया जाता है। 1761 में बिहार का उप प्रांतपति बनाया गया था, किसे? राजबल्लभ को। 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा राम नारायण को हटाकर किसे बिहार का नवाब दीवान बनाया था? राजा सिताब राय को। सिताब दिया रहा राजेंद्र प्रसाद जयप्रकाश नारायण। बिहार पटना में कब एक लगान परिषद का गठन किया गया था जिसे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का नाम दिया गया था? भाई 1770 में किया गया था, वॉरेन हास्टिंग गवर्नर जनरल था और अलेक्जेंडर के नेतृत्व में किया गया था। बिहार में अकाल के जांच हेतु राजस्व कर्मियों को पता लगाने तथा नया बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसे बिहार भेजा था? सर जॉन शोर को भेजा था, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए, तो थोड़ा टाइम लगा लेकिन ये कंप्लीट हो गया है, पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। और जो लोग भी लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे, आप डेफिनेटली प्रीलिम्स में अगर सवाल आता है और अगर आप इस वीडियो को एक बार देखते हैं, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, स्पीड बढ़ा के 1.75 पे कर लीजिए या 2 पे कर लीजिए, 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, आपका इस सेक्शन से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। और अगर छूटेगा तो वो अक्रॉस द एस्पिरेंट सब लोगों का छूटेगा, ठीक है, वो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन होगा तभी छूटेगा, अदरवाइज नहीं छूटने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और देखिए इतनी मेहनत हो रही है, हम लोग अपने तरफ से इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप अपने चैनल, अपने घर के चैनल बीपीएससी बेसिक्स को थोड़ा प्रमोट कीजिए और लोगों से शेयर कीजिए, चैनल को ग्रो कराइए, लाइक कीजिए, कोई बात बोलनी हो तो कमेंट में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, 30 दिन बचा है, रगड़ के पढ़ेंगे, खूब मेहनत करेंगे और प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे और फिर हम लोग मेंस की तैयारी करेंगे।